ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு செல்வோம். हम प्रभु के वचनों में जाएंगे. 1 யோவான் पहला योहन्ना 4வது அதிகாரம் चौथा अध्याय. 1 John chapter 4 पहला योहन्ना चौथा अध्याय verse 16 onwards 16 नंबर के वचन से. 1 யோவான் 4வது அதிகாரம் 16வது வசனத்துல இருந்து पहला योहन्ना चौथा अध्याय 16 नंबर के वचन से. இந்த வசனலாம் எவ்வளவு வாஸ்தாலாம் அப்படியே வாசிட்டே இருக்கலாம் போல தோணுது. और ये वचन सब हम जितना पढ़े ऐसा लगता है पढ़ते चले जाओ. தேவன் நம்மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்து விசுவாசிக்கிறோம். தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். அன்பில் நிலைத்திருக்கிறவன் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறான். தேவனும் அவனில் நிலைத்திருக்கிறார். जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है. परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है. न्याय तीर्प नाळिले नमक्कु धैर्यम् उंडायिरुक्कत्तक्कदाग अन्पु नम्मिडत्तिल पूर्णप्पडुगिरदु. एनेन्राल अवर इरुक्किर प्रकारमाग नाम इव उलगत्तिल इरुक्किरोम். इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याद हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं. 18வது வசனம் ரொம்ப முக்கியம். और 18 நம்பர் का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है. அன்பிலே பயம் இல்லை. पूर्ण அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளும். பயமானது வேதனை உள்ளது. பயப்படுகிறவன் அன்பில் பூர்ணப்பட்டவன் அல்ல. प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ. அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறோம். हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया. जबिपो हम प्रार्थना करेंगे. ஆண்டவருடைய மாறாத வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். प्रभु आपके कभी ना बदलने वाले वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं. வார்த்தின் மூலமா எங்களோடு கூட பேசும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். प्रभु वचनों के द्वारा तो हमसे बातें कर. இயேசுவின் நாமத்தால ஈசு மசீஹ் के नाम से. இங்க இருக்கிறவர்கள் செவிகளை திறப்பீராக. यहां पर आए हुए लोगों के कान तो खोल दे. மன கண்களை திறப்பீராக. मन की आंखें खोल दे. இயேசுவின் நாமத்தால ஈசு के नाम से. ஆமென். ஆமீன். தேவனுடைய அன்பை அனுபவிக்கிறது குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने के बारे में हम देख रहे हैं. பைபிள் சொல்லுது. பைபிள் कहती है தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார். परमेश्वर प्रेम है. இந்த வசனம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சா கூட ये वचन बहुत से लोगों को पता हो तो भी ஆனா பொதுவா நம்ம கடவுள குறித்து கேட்டு வர காரியங்கள்லாம் எப்படினு சொன்னா लेकिन ज्यादातर हम जो है आमतौर पे परमेश्वर के बारे में कैसे सुनते आ रहे पूछे तो அதோங்க ரொம்ப கோபக்காரர் போலவும் परमेश्वर मानो बहुत ही गुस्से वाला और எல்லாரிலும் பரிசுத்தம் இல்லனா தொலைச்சிடுவாரன்றது மாதிரியா जैसे मानो लोगों के पास अगर तुम पवित्र नहीं है तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा जैसे நீங்க பைபிள் படிக்கல ஜெபம் பண்ணல உங்க கையில பேச மாட்டாரன்ற மாதிரியா तुम பைபிள் नहीं पढ़ोगे प्रार्थना नहीं करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा जैसे எதாவது நீங்க கொஞ்சம் ஆவிக்குரிய காரியங்களை சரியா இல்லனா உங்களை விட்டு தூர போடுற மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஒரு படம் இருக்குது பாருங்க और बहुत से लोगों ने परमेश्वर के बारे में कैसी काल्पनिक चित्र बना के रखा है कि यदि आप परमेश्वर के योग्य नहीं है तो वो तुम्हें दूर कर देंगे. इसे என்னோட கிளாஸ்மேட் ஒருத்தங்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். कल मेरे क्लासमेट से मैं बात कर रहा था. தனியோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். और बहुत दिनों के बाद मैं से बात कर रहा था. என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் और मेरा बहुत ही जो है घनिष्ठ मित्र. நான் பேசும்போது கேட்டேன் எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டேன். और मैं बात करते से पूछा कि तुम कैसे हो. எல்லாம் நல்லா இருக்கேன். वो कहने लगा सब ठीक है. ये और प्रचना दाम भी नहीं. बस एक एक समस्या है. नन्हे चेता कुडुम्बतले प्रचनिया. मैंने सोचा कोई पारिवारिक समस्या होगी. उन्होंने और ये और प्रचना दान आंडर उठे दूर हो पाई टेर क्या. वो कहने लगा बस एक एक समस्या कि परमेश्वर से दूर दूर होता जा रहा हूँ. उनकी टेस्ट सुनना है. मैंने उनसे कहा नहीं आंडर उठे दूर हो रहे उन्नोड़े एनो. मैंने उसे कहा कि तू परमेश्वर से दूर जा रही है तेरा विचार है. ஆனா ஆண்டவர் உன்னை ஒரு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு நாளும் தூர போலன்றது இன்னைக்கு தெரிஞ்சிக்கோ அப்படி. लेकिन परमेश्वर तुझसे दूर नहीं जा रहा है तू आज ये जान ले. ஆண்டவர் மேல மாறாத அன்பு வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर तुझ पर कभी ना बदलने वाला प्रेम रखे. நீ தான் தூர போறன்னு நினைச்சின இருக்கற ஆனா அவர் உன்னை ஒரு நாளும் விட்டு தூர போவே இல்ல. और तू ऐसे सोच रहा है कि दूर दूर जा रहा है लेकिन वो तुमसे कभी दूर नहीं गया. உடனே ஆண்டவரோட பிரசன்ன உன்னை தொட்டுச்சு பாத்து. और जब से प्रभु की उपस्थिति उसे छू गई. அவன் அழ ஆரம்பிச்சான். அவன் ஆறி लगा. இத ஸ்வேப் இத கே கிறதுக்காக தான் ஆண்டவர் இன்னைக்கு என்கிட்ட என்ன உன்கிட்ட பேச வச்சிருக்காரு. और कहने लगा कि शायद ये सुनने के लिए परमेश्वर ने मुझे आज उससे बात करने लगवाया. எனக்கு ஒரு பெரிய பாரம் நீங்கிடுச்சு. आज मेरे मन से एक बड़ा बोझ उतर गया. சொன்ன பேருக்கு தான் எனக்கு தெரியும் ஆண்டவர் என்ன விட்டு போல. நான் தான் ஆண்டவர் விட்டு தூர போயிட்டேன்னு நினைக்கிறானா ஆண்டவர் என்ன விட்டு ஒரு நாளும் போல. आज तुमसे बात करने से मुझे पता चला कि जो मैं भले प्रभु से दूर जा रहा हूं लेकिन परमेश्वर मुझसे कभी दूर नहीं जा रहा. ஆண்டவர் எனக்கு திரும்ப ஒரு வாய்ப்பு தருவார். நீ இப்ப பேசின பிறகு தான் எனக்கு தெரியும் ஆண்டவர் எனக்கு நிறைய சான்ஸ் தரார்னு எனக்கு தெரியும். आज उससे बात करने के बाद ही मुझे पता
चला कि परमेश्वर मुझे कई सारे मौके दे रहा है कि मैं फिर से उनसे एक हो जाऊं। ना उनकी तो वेले की सुनने मैंने उसे समझा कर बताया उनकी तो एक कोच की नॉन दूर पहुंच ले मैंने बताया कि वो तुझसे कुछ नाराज होके दूर नहीं चले गए और अनबुल उन पिनाड़ी वैरायटी टे वंद टे रख रहे बल्कि वो प्यार में तेरे पीछे पीछे आ रहे इधर वंद और वन साइड लव पाते हैं और ये मानो एक प्रकार का जो वन साइड प्यार है वरंग सिला पायन ये तो और पोन लव पन रहा और देखो कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है ना सोलर विषय कार्तिक की पूरी थे और जो मैं कह रहा हूँ वो बात कार्तिक को समझ में आ रही है और पाये और पुणे लव पन रहने वाली है समझो एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है अंदर पुणे उन्हें लव पन ले और ये लड़की उसे प्यार नहीं करती थी हाँ नाले ही मैं पिनाड़ी है पहिटे रिग्राम पाते लेकिन फिर भी देखे तो पीछे पीछे जाता है अंदर पुणे स्कूल मुड़ी रहा टाइम लो पाये निकी रहा और वो लड़की की पढ़ाई जब स्कूल छूटता है तो जाके खड़ा हो जाता है स्कूल पोम पिनाड़ी पो रहा और जो स्कूल जाते समय पीछे पीछे जाता है ट्यूशन को पिकअप ड्रॉप रेंड में से रहा और ट्यूशन में भी जो छोड़ने भी जाता है लेने भी जाता है अंग निन्न पाकर इंग निन्न पाकर अंदर पुणे उन्हें पाकवे माटेंदे और वो यहाँ खड़के देखता है वहाँ खड़के देखता है लेकिन वो लड़की उसकी तरफ देखती नहीं आना सिल पसंग पल वर्ष में सिंह निकरा लेकिन कुछ लड़के ये सालों साल करते चले आते हैं और ये बस वो पीछे पीछे चला जा रहा है और ये मानो एक तरफा प्रेम है और ये मैं कोई जोक के लिए नहीं कह रहा और सच में परमेश्वर हमेशा ही हमारे जीवन में करता पिनाड़िया वर् तुम चाहे कहीं जाओ तुम्हारे पीछे पीछे वेले की पोना पिनाड़िया वर् तुम काम पर जाते हो तो तुम्हारे पीछे पीछे आता है स्कूल पोना पिनाड़िया वर् तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हारे पीछे पीछे தேர் கரனா நம்ம பின்னாடி வர நல்லா தெரியும் அவர் அச்சா பத்தா ஹோதா கி ek ladka mere piche piche aa raha hai mujhe dekhta rehta hai ana teriyada mari nam kandukama poite irukku lekin anjaan jaise wo jo hai nazar andaaz karke chalti chali jati hai inge irukra ellarku na ungalukku solren yahan par aaj sabhi se main kehna chahta hu aandavar unga pinnadiye sudhir irukkarar parmeshwar tumhare piche hi hai avar ungala uda poradilla neenga vidringala illaya avar ungala uda poradilla aur tum chahe chodo na chodo lekin wo tumhe kabhi nahi chhodega aur uligarar sonnar aur ek sevak ne aise kaha kadavul illan solranga parungla atheist aur ये जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते भगवान है ही नहीं बोलते नास्तिक लोग लेकिन सच में देखा है तो उनको पता है कहीं ना कहीं परमेश्वर है इवन ना ये क्या सोचते हैं अगर परमेश्वर है ये मान गए तो फिर उसके लिए जीना पड़ेगा कड़वल इलेक्टमना परमेश्वर है ही नहीं बोलेंगे तो इन्ना वना पन्नी ला तो मैं जो चाहे कर सकता हूँ व्यभिचार पन्ना मैं व्यभिचार कर सकता हूँ इन्ना वना आटम बोलना जो चाहे कर सकता हूँ काटो लिरकर आरंडर दे ये ट्रू कॉल रहा लेता नहीं उल्लो पोरु पोरु दिन हमके जब परमेश्वर है ये मानते हैं तो हमको कई सारी जिम्मेदारियां निभाना पड़ता है ना काटोल नम लोग पिनाड़ी इरकर ने पाता था ना नम बाउर का को वार नो परमेश्वर हमारे पीछे हमको पता चलते ही हमको उनके लिए जीना पड़ता है यार लाम काटोल का काटोल पिनाड़ी पोरान सोलना वोर का वार नो और जो कोई कहता है कि मैं प्रभु के पीछे जाऊंगा फिर उनको जो एक सही जीवन जीना पड़ता है நம்ம கடவுளே இல்லன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன இருக்கு நம்மள யாரு கேக்குறதுக்கு நம்ம யாருக்கு பயப்படணும் இஷ்டம் போல வாழலாம் लेकिन जब हम बोलेंगे प्रभु है ही नहीं परमेश्वर ही नहीं है तो फिर कौन पूछने वाला हम जैसा चाहे वैसे जी सकते हैं அதனால நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் इसलिए हम क्या करते हैं नजरअंदाज करते हैं நீங்க எவ்வளவு இக்னோர் பண்ணாலும் அவர் உங்களை ஒரு நாளே இக்னோர் பண்ணல तुम चाहे कितना भी उनको नजरअंदाज करो तुमको एक दिन भी नजरअंदाज नहीं करेंगे இல்லை நீங்க வேலைக்கு போறப்போ அவர் பிக் அப் டிராப் பண்றது மட்டும் இல்ல அவர் உங்க கூடவே இருக்கிறார் வேலையில வந்து உங்க கூடவே பாத்துட்டு இருக்கிறார் और वो जो है तुम जब काम पर जाते हो हर रोज तुम्हें सिर्फ छोड़ने लेने नहीं आते बल्कि काम करते समय भी तुम्हारे साथ ही रहते हैं। तुम स्कूल भी पहुंचो तो उनका पिनाडी वंदे टेर रख रहे हैं। तुम स्कूल भी जाते हो तो तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। उनका स्कूल लिए उनको कुड़ा वकान उनको पास टेर दार रख रहे हैं। और तुम्हारे स्कूल में भी हो तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें देखते रहते हैं। तुम वीट ले किचन ले वहां से मोद उनको कुड़े रख रहे हैं। तुम किचन में घर में काम करते समय भी तुम्हें देखते रहते हैं। तुम नंची का दिखे चर्च को और मोद मटे तो उनको पाक रहा है। आप ये मत सोचे कि सिर्फ चर्च में तुम जब आते हो देखते हो। तुम वीट ले मोद और उनको पास टेर रख रहे हैं। तुम जब घर पर भी तो तुम्हें देखते रहते हैं। और उनको वैरायटी टेर रख रहे हैं। और उनको पिनाड़ी वंदे टेर रख रहे हैं। वो तुम्हारा पीछा करते ही रहते हो तुम्हारे पीछे पीछे आते ही रहते हैं। और उनको मेल अवलो लव
उनको तुम्हारे पर इतना प्यार है அது பாருங்கல இந்த லவ்ன்ற வார்த்தை தமிழ்ல சொன்னாது எஃபெக்டிவா இல்ல இங்கிலீஷ்ல சொன்னா தான் நிறைய பேருக்கு புரியுது और देखो प्रेम ये शब्द जो है तमिल में बोलेंगे तो उतना सामर्थ्यशाली नहीं लगता उतना प्रभावशाली नहीं लगता है लेकिन अंग्रेजी में लव बोलते ही सबको बहुत ही जोश आ जाता है கொஞ்சம் அத நான் சொல்லும்போது ஃபீல் பண்ணி பாருங்களே और जब मैं कहता हूं जरा महसूस करके देखो பாருங்க ஆண்டவருக்குங்க மேல அன்பு देखो परमेश्वर को भी तुम्हारे पर प्रेम है இது அவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்காது ये तो इतना प्रभावशाली नहीं இப்ப நான் சொல்றேன் இது எவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்குது अब मैं जो कहता हूं कितना प्रभावशाली है ஆண்டவருக்குங்க மேல பயங்கர லவ் और परमेश्वर को तुम्हारे पर बहुत ज्यादा लव है இப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லும்போது அது பயங்கர எஃபெக்டிவா இருக்குது लव बोलना इधर इंग्लिश ले अंग्रेजी में जब हम लव बोलते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली लगता है மற்ற பாஷையில சொல்லும்போது அதுக்கு அவ்வளவு எஃபெக்ட் இல்ல लेकिन बाकी भाषा में जब हम कहते हैं तो उतना प्रभावशाली नहीं लगता लोग நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷ்ல எந்த வார்த்தை தெரியதோ இல்ல एटलीस्ट आई लव यूன்ற வார்த்தையா தெரிஞ்சிருக்குது बहुत से लोगों को कोई और शब्द पता है कि नहीं पता है अंग्रेजी में लेकिन आई लव यू ये अच्छी तरह पता है सभी को நான் உண்மையா சொல்ற ஆண்டவருக்குங்க மேல பயங்கர லவ் और मैं सच में कहता हूँ कि परमेश्वर को आपके ऊपर बहुत लव है इस दुनिया का कोई भी तुमसे इतना प्यार करता है कि नहीं पता नहीं लेकिन परमेश्वर आपके पीछे दीवानों की तरह प्यार करता है जरा सोच कर देखो पिनाड़िया वर्रा जहाँ जाओ तुम्हारे पीछे पीछे आता है पिनाड़िया वंदिटे इरुक्रार तुम्हारे पीछे पीछे आता रहता है पिनाड़िये तुरतिटे इरुक्रार तुम्हारे पीछे पीछा करता रहता है नहीं इन्ना दा सोनाला उड़ पोरदिल्ला तुम चाहे जो भी बोलो तुम्हें छोड़ेगा அவரோட டிசிஷனை மாத்த முடியாது वो अपना फैसला बदलेंगे ही नहीं நீங்க லவ் பண்ணுங்க லவ் பண்ணாத போங்க அது உங்க விருப்பம் तुम प्यार करो ना करो तुम्हारी चाहत ஆனா அவரு மாத்த முடியாது लेकिन उनको बदल नहीं सकते அவர் கடைசி வரைக்கும் உங்களை லவ் பண்ணிட்டே தான் இருப்பார் आखिर तक तुमसे प्यार करता रहेगा அவர் எவ்வளவு லவ் பண்ணானோ உங்களுக்காக உயிரை கொடுக்கற அளவுக்கு லவ் பண்ணியிருக்கார் वो कितना तुमसे प्यार करते पूछेंगे तो तुम्हारे लिए जान देने को तक तैयार இல்லலாம் வந்து ரத்தத்துல லவ் லெட்டர்லாம் எழுதுவாங்க அதெல்லாம் பெருசா நினைக்காதீங்க और कुछ लोग जो है लहू से यानी खून से जो है प्रेम पत्र लिखते हैं सब बड़ी बात मत समझ अंदर रातत ले எழுதுறாங்க யாருக்கு தெரியும் वो कौन से खून से लिखते हैं किसको पता நல்ல புத்திசாலியா இருக்கறவன் எங்கயாவது கறி கடையில ரத்தத்தை வாங்கி தான் எழுதும் और जो बहुत दिमाग वाला होता है वो जो है किसी मटन की दुकान में जाकर उसका जो बकरी के खून से वो लिखेगा बुद्धि लादा ना எங்கயா கையில கிழிச்சி நீ எழுதுவான் பாத்தீங்க और जिनको दिमाग नहीं है वही जो है हाथों को काट पीट के वो खून से लिखेंगे அது ஒரு பெரிய விஷயம் பாத்தீங்க யாரா ரத்தத்துல எழுதிட்டாங்கனா और ये एक बड़ी बात हो जाती है कि कोई अपने खून से खत लिख रहा है இங்க ஒருத்தருங்களுக்கு உயிரை கொடுத்திருக்கிறார் और यहां पर एक कोई है जो तुम्हारे लिए जान देता है சும்மா கொஞ்சோண்டு கையை கீறி ஒரு ஐ லவ் யூ னு ரத்தத்துல எழுதல खाली जो हाथों को थोड़ा काट कर थोड़े से खून से आई लव यू नहीं लिखा और வந்து கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரைக்கும் உங்களுக்காக சிந்தி இருக்கார் बल्कि उन्होंने तो अपने जो है खून का एक एक कतरा तुम्हारे लिए बहा दिया கடைசி எல்லாம் உடம்பல ஒரு ரத்தம் இனி ஒரு சொட்டு ரத்தம் இல்லாத அளவுக்கு உங்களுக்காக ரத்தம் சிந்தி இருக்கார் इतना खून उन्होंने तुम्हारे लिए बहा दिया कि जो शरीर में एक बूंद भी लहू बाकी नहीं रहा उतना இந்த அன்பு குறித்து கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க इस प्रेम के बारे में जरा सोच कर देखो நான் சொல்றேன் ஆண்டவர் நம்மால கண்ணால பார்க்க முடியலனால அவருடைய அன்பு அவ்வளவு நிஜம் பாத்துங்க और मैं कहता हूं देखो जो हम परमेश्वर के प्रेम को आंखों से देख नहीं सकते तो भी उनका प्रेम उतना ही हकीकत है பைபிள் சொல்லுது பைபிள் कहती है தேவன் நம் மேல் வைத்திருக்கிற அன்பை நாம் அறிந்திருக்கிறோமா हम பைபிள் कहती है कि हमने जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है जान गए நாம வந்து அதை விசுவாசிக்கணும் பாத்தீங்க ஆண்டவர் நம் மேல் எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறார் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அத்தை और देखो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है हम जान गए ஆனா சில நேரத்துல தெரியாதது போல கண்டுக்காதது மாதிரி இருக்கிறோம் लेकिन कभी-कभी जो हम जाने अनजान जैसा रहते हैं और इग्नोर பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் उनको हम जो नजरअंदाज करते रहते काले वाले सोल रहे इस सुबह के समय कहता हूं और इग्नोर பண்ணாதீங்க और பாக்க ஆரம்பிங்க उनको नजरअंदाज मत करो बल्कि जो है उनको देखना शुरू करो और उनके மேல வைத்திருக்கிற அன்பை ரிசீவ் பண்ண ஆரம்பிங்க और उन्होंने जो तुम्हारे पर प्रेम रखा है उसे ग्रहण करना सीखो 18வது வசனத்துல பைபிள் சொல்லுது 18 நம்பர் के वचन में बाइबल कहती है அன்பிலே பயம் இல்லை प्रेम में भय नहीं होता பாருங்க நான் लास्ट टाइम உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கன்னு நினைக்கிறேன் और मैं सोचता हूं कि तुम्हें पिछली बार मैंने बताया था याद होगा அன்புக்கும் பயத்துக்கும் ரொம்ப கனெக்ஷன் இருக்கு और देखो प्रेम और भय का बहुत बड़ा जो मेल है இந்த அன்பும் பயமும் ஆப்போசிட்டான ஒரு காரியம் और ये प्रेम और भय दोनों ही विरोधी बात है ரெண்டு தீமோத்தியில दूसरे तीमती में ஒன்றாம் அதிகாரத்துல पहले अध्याय में ஏழாவது வசனத்துல இப்படியா பைபிள் சொல்லுது சாத்தே வசன में பைபிள் இஸ் பிரகார் கேட்ட தேவன் நமக்கு பயத்தின் ஆவியை கொடாமல் அன்பின் ஆவியும் வல்லமையின் ஆவியும் தெளிந்த புத்தியின் ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் उसमें लिखा गया कि परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं दी परंतु
प्रेम सामर्थ और संयम की आत्मा दी है. For God has not given us the spirit of fear, but power, love, and sound mind. और लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ प्रेम और संयम की आत्मा दी है. எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லயும் हर एक संबंध में இந்த பயம் ஒன்னு இருக்குது பாத்துங்க. एक डर होता है देखो. இந்த பயம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த பயத்துல இருக்கிற ஆட்கள் அன்புல பூரணப்படலன்னு பைபிள் சொல்லுது. और बाइबल कहती है अगर उसमें डर है तो वो संबंध में जो संपूर्ण नहीं हुए हैं. நல்லா கவனிங்க அந்த பயம் எப்படி வருதுன்னு பாத்துங்க. और देखो अच्छी तरह ध्यान दे भय कैसे आता है. ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. दो लोग हैं. அது फ्रेंड्सோ பிரதர்ஸோ யாரோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் யாரோ ஒரு ரெண்டு பேர். वो चाहे वो दो जन जो है दोस्त हो पति पत्नी हो भाई बहन हो कोई भी हो. द ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தரேனா நினைக்கறாங்கனா இஸ் दो जन में एक जन क्या सोचता है. நான் உங்களுக்கு அன்பு காட்டுறேன். मैं उनको प्रेम दिखाता हूं. அவங்க என்ன அன்பு காட்டுறாங்கன்னு சொன்னா अगर वो मुझे प्रेम दिखाएंगे तो நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்கணும். तो मैं जो बोलता हूं वो करेंगे. நான் சொல்றத கேட்கலனா अगर मैं जो कह रहा हूं वो करेंगे नहीं सुनेंगे. அவங்க என்ன அன்பு காட்டல तो इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं दिखा रहा. और एग्जांपल சொல்ற रहा हूं. उदाहरण देता हूं. இங்க சாம் இருக்கான். अभी यहां சாம் है. நான் சாம் ਨੂੰ அன்பு காட்டுறேன். अब मैं சாம் को प्रेम दिखाता हूं. நான் இப்படி நினைக்கிறேன். अब मैं सोचता हूं. இப்ப சாம் என்ன அன்பு காட்டறான்னு சொன்னா अगर சாம் मुझे प्यार करता है तो நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்கணும். तो मैं जो जो कहता हूं सब सुनना. இப்ப நான் சாம் அன்பு காட்டறேன். अब मैं சாம் को प्रेम दिखाता हूं. நான் பார்க்கறேன் சாம் એમ பேச்சே கேட்க மாட்டேன். लेकिन मैं देखता हूं कि சாம் मेरी बात नहीं सुनता. இந்த நேரத்துல என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா இந்த சமயமே क्या होता है. ஒரு பயம் வந்துருது. एक डर आ जाता है. நான் பேச்ச அவன் கேட்கலையே. मेरी बात तो सुना नहीं ना. அவன் என்ன நேசிக்கல போல இருக்கு. इसका मतलब कि मुझसे प्रेम नहीं करता. அவன் இஷ்ட போல ஏதோ பண்ணுவான் போல இருக்கு. लगता है कि जो चाहे कर सकता है. அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? நான் பயத்துனால तो मैं क्या करता हूं डर के मारे. ओके ले கோப பட ஆரம்பிக்கிறேன். मैं उसके ऊपर गुस्सा करने எரிச்சல் பட ஆரம்பிக்கிறேன். जलने लगता हूं. நேத்துல பொறாம பட ஆரம்பிக்கிறேன். कभी कभी मैं उससे बहुत चिढ़ने लगता हूं. சில நேத்துல நான் நினைக்கிறேன் தேவ இல்ல. அவன் தான் એમ பேச்ச கேட்கலல. அவங்கள நான் எதுக்கு வெச்சிக்கணும்? और कभी कभी लगता है जरूरत ही नहीं. वो मेरी बात ही नहीं सुनता. फिर मैं क्यों उससे ज्यादा रखूं? நான் எதுக்கு நான் கிட்ட வெச்சிக்கணும்? मैं क्यों उससे ज्यादा रखूं? தேவ இல்ல. நீ மட்டும் நீ இஷ்ட போல இருந்துக்கு நான் மட்டும் நீ இஷ்ட போல இருந்து. कोई जरूरत नहीं. जा तुझे जैसा जीना तू जी मैं जैसे जीना मैं जीऊंगा. நம்ம இப்படி நினைச்சிரோம் பாத்துங்க. हम ऐसा सोच लेते हैं. எப்போ டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டெய்ன் பண்றது உங்க லைஃப்ல கோல் ஆயிடுதோ அப்பவே நீங்க தெரிஞ்சீங்க பயம் தான் ஆபரேட் ஆயிட்டு இருக்குது அங்க அன்பு ஆபரேட் ஆகலன்னு. और जिस दिन आप जो है दूरी बनाए रखने के लक्ष्य में आ जाते हो उस समय आप जान लो कि जो आप प्रेम में नहीं बल्कि भय में कार्य कर रहे हैं. முன்ன விட கொஞ்சம் தூரம் ஆயிட்டீங்களா அப்பவே தெரிஞ்சீங்க அங்க அன்பு ஆபரேட் ஆகல பயம் தான் ஆபரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. जिस दिन आप जो है पहले से कम उनसे जो है नजदीकी है दूरियां बनाने लगे हो ज्यादा ज्यादा समझ जाओ उस दिन से ही जो है आप प्रेम में नहीं भय में कार्य कर रहे हो. யாருக்காவது சில டைம்ல ஹஸ்பண்ட் வைஃப் கொஞ்சம் சண்டை வந்துட்டா போதும். और कभी कभी कुछ पति पत्नी में थोड़ा झगड़ा आ जाए तो बस उठने पैस मटांग झट से बात नहीं करेंगे उठने वेरे वेरे डायरेक्शन ले पड़ते को. और अचानक जल्दी से बहुत जो है अलग अलग दिशा में सो जाएंगे. இன்னும் சண்டை போடுற அளவுக்கு மெச்சூரிட்டியே வரல பாத்துங்க. और अभी तक जो झगड़ा करने की सयानापन आया ही नहीं. சண்டை போடுறது தப்பு இல்ல. देखो झगड़ा करना गलत नहीं है. பெரியவங்க மாதிரி சண்டை போடணும். बड़ों की तरह झगड़ा करना है. ना பாஸ்டர் நீங்க ஒரு பாஸ்டர் சண்டே போட கூடாதுன்னு சொல்றோம். நீங்க அதை விட்டுட்டு சண்டை போட்டாலும் பரவால பெரியவங்க மாதிரி சண்டை போடணும்னு சொல்றீங்களே. क्या பாஸ்டர் आप एक பாஸ்டர் हो आप बोलना चाहिए कि झगड़ा ही मत करो लेकिन आप कह रहे हो कि झगड़ा करो लेकिन जो बड़ों की तरह करो. நான் கேக்குறேன் நீங்க சண்டே போடாதீங்கன்னா நீங்க போடாத இருந்துருவீங்களா? मैं पूछता हूं अभी मैं कहूं आपसे कि आप झगड़ा मत करो तो आप कभी बिना रह जाओगे क्या? இன்னைக்கு நீங்க வீட்ல போய் சண்டை போடாதேனால அதுவே நீங்க ஒரு பெரிய சக்சஸ். अगर आज आप घर पे जाकर जो झगड़ा किए बिना आज का एक दिन भी निकालो तो बड़ा कामयाबी है. ஒருத்தர் சொல்றாரு एक जन कहते हैं நிறைய கிறிஸ்டியன் சண்டே தான் சண்டை போடுறாங்கலாம். बड़े से मसीही लोग रविवार के दिन ही झगड़ा करते हैं. சர்ச்சுக்கு போறது சண்டே ஆவது இல்ல சர்ச்சுக்கு போயிட்டு பிறகு சண்டே ஆதாம். யா தோ சர்ச் जाने के टाइम झगड़ा होता है चर्च से आने के बाद झगड़ा होता है. சண்டை வரும் ஹஸ்பண்ட் வைஃப் குள்ள. झगड़ा होता है पति पत्नी में. தப்பு இல்ல. कोई गलत नहीं है. அது நீங்க வேற லெவலுக்கு கொண்டு போய்டாதீங்க. लेकिन उसे आप दूसरे स्तर पे मत ले जाएं. मेल्ट ना வெச்சிக்கவே மாட்டேன். अभी से मैं इनके साथ कुछ रखूंगी. அவ கையில பேசதே விட நான் பேசாத இருக்கலாம். उनसे बात करने से अच्छा बात किए बिना रह जाएं. அவ கையில கொஞ்சம் நான் தூரம் ஆயிடணும். उनसे थोड़ा दूर ही हो जाना. இங்க அம்மா நினைப்பாங்க அந்த ஆள் கையில எதுவும் வெச்சிக்கவே கூடாது. और यहां जो औरत सोचेगी कि वो आदमी से कुछ रखना ही नहीं. ಜಾಸ್ತಿ பேசவே கூடாது. ಜಾಸ್ತಿ बात ही नहीं करना. சாப்பாடு மட்டும் வெச்சிலாம் தான். சாப்பாடு சாப்பிடுங்க டப்புன்னு வெச்சிட்டு போ. और खाना रख देना लो खाओ बोलकर.
अदले अंदर साउंड ले तेंजिक ला आँगे इन्ना मानस ले रख रहा है और वो आवाज में समझ में आ जाएगा क्योंकि मन में क्या चल रहा है अंदर साउंड ले आँगे हार्ट वंदुंगली तेरियो पात और उस आवाज में उनका दिल कैसा पता चल जाएगा आदिनो अंदर टाइम ले लम्हे व्यागमा वे नडकों और उतना ही नहीं उस समय में सब कुछ झटपट झटपट होगा आदिनो कोम अर्ग मोद व्यागमा नडक रहा है अनबा अर्ग मोद रुम्बो स्लोवा नडक रहा है वो क्या पता नहीं कि जब गुस्सा में होते तो झटपट चलते और प्रेम में रहेंगे तो धीरे धीरे चलते तुम बुलाए समझो अनबा अंदर सिले टाइम वर कूड मटेंगे और प्रेम में रहेंगे तो कभी कभी आते ना नहीं कोम अंदर उठते ना वो क्या इन और गुस्से में रहेंगे तो झट से आके बोले क्या है அதிலே தெரிஞ்சிக்கலாம் அவங்க என்ன ஹார்ட்ல ஃபாஸ்ட்டா நடக்குதா இல்ல வந்து ஸ்லோவா நடக்குதான்னு இதிலே தெரியுது அன்பு இருக்குதா கோபம் இருக்குதான்னு அதிலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்கலாம் இசி சே பதா चल जाएगा कि अभी गुस्से में है या प्यार में है इसी से पता चल जाएगा அன்பா இருக்கும்போது பாத்து கூப்பிடுறோம் நாலஞ்சு முறை கூப்பிட்ட பிறகு பொறுமையா வருவாங்க என்ன கூப்பிட்டீங்களேன்னு और प्रेम में रहेंगे तो चार पांच बार बुलाएंगे तो जो धीरे धीरे आएंगे क्या आप बुलाए क्या கோபம் இருக்கும்போது ஒரே கூப்பிடுறே வந்துருவாங்க என்ன और जब गुस्सा होते हैं तो सीधा सीधे एक ही आवाज में आएंगे और पूछेंगे क्या है சண்டை போட்டுட்டு झगड़ा करके पैसा तो पूरे तो डिस्टेंस मेंटेन पन्ना नहीं कर और जो है झगड़ा करके जो है दूरी बनाना बात के बिना रहना ना नरिया टाइम इधर सोलिर के इधर चर्च ले और इस चर्च मैंने कई बार कहा है यार उस संडा पोट इधर नहीं प्रचनी है इल्ला कोई झगड़ा करे मुझे कोई समस्या नहीं अन्ना संडा पोट की ना पैर की ना बन रही है रदम प्रचनी लेकिन झगड़े के बाद क्या करते वो बहुत जरूरी संडा पोट की ना पर पैसा तो पोट रही और झगड़ा करने के बाद जो बात के बिना रह जाते हो डिस्टेंस मेंटेन बना आरमिच रही और दूरी बनाए रखना चाहते हो अदम प्रचना यही समस्या ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவரா இருக்கறார்னா பரமேஸ்வர் कैसे पूछे तो அவருடைய லைஃப்ல उनके जीवन में அவருடைய கோல் उनका लक्ष्य பர்சீவிங் ரிலேஷன்ஷிப் वो जो संबंध के पीछे जाना அவன் எப்படி இருந்தாலும் அவன் பின்னாடியே ஓடறதுல தான் இருக்கார் वो चाहे जैसा भी हो उनके पीछे जाना இது நீங்க புரிஞ்சிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா ये अगर आप समझ गए तो உங்க மனைவி எப்படி இருந்தாலும் நீங்க அவங்க பின்னாடி போயிட்டே இருப்பீங்க चाहे आपकी पत्नी कैसे भी हो आप उसके पीछे जाएंगे உங்க கணவன் எப்படிப்பட்டவரா இருந்தாலும் நீங்க அவர் பின்னாடி போயிட்டே இருப்பீங்க आपका पति कैसे भी हो आप उसके पीछे जाएंगे நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியதா मुझे कहना समझ में आ रहा है நீங்க அவங்க அவங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படி இருக்காங்க அந்த காரிய வந்து உங்களை பாதிக்க இடம் கொடுக்க மாட்டீங்க आप क्या होगा कि वो ऐसे है वैसे करके वो कार्य आपके ऊपर जो है बाधा डालने ऐसा नहीं करोगे लास्ट टाइम நான் வந்து கலேஷியன்ஸ்ல ஒரு வசனம் உங்களுக்கு வாசித்தேன் और पिछले हफ्ते मैंने जो है गलतियों की पुस्तक से அதை வாசித்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் वो पढ़कर मैंने तुम्हें बताया यू आर फ्री टू लव यू आर फ्री टू सर्व आप जो आजाद हो सेवा करने के लिए आप आजाद हो प्रेम करने के लिए बना सैम ना लव पन रहे अब मैं सैम को प्रेम करता हूँ सैम ये पेचिये कैक ले और सैम मेरी बात ही नहीं सुनता आना नान रोड अनबुले पूर्ण पट रहना ना लेकिन मैं परमेश्वर के प्रेम में संपूर्ण हो तू सैम और सेवा के बंदे ये ना बाद के ना ये डंग उड़ कमाते तो सैम के कार्य मुझे बाधित कर ऐसा मैं अवसर ही नहीं दूंगा सैम ये पेचिये कैक ला ये पेचिये कैक आम पोला ना मधिक ला ना मधिक आम पोला सैम मेरी बात सुनेगा सैम नहीं सुनेगा चाहे मेरी इज्जत करे ना करे ஆனா நான் என்ன பண்ணுவேன் பின்னாடி போயிட்டே இருப்பேன் लेकिन मैं क्या करूंगा मैं उसके पीछे पीछे जाऊं ना कोई பேசிட்டே இருப்பேன் मैं जाकर बात करता रहूं हां என்ன என்ன அன்பு காட்ட முடியுமோ காட்டிட்டே இருப்பேன் मैं उनको जितना प्रेम दिखा सकूं उतना दिखा सकूंगा இப்படிதான் ஆண்டவர் செய்றாரு यही परमेश्वर का ஆதாம் கிட்ட சொன்னாரு ஆதாம் से कहा அந்த பழத்தை சாப்பிடாதேன்னு ये फल मत खा அத சாப்பிட்டான் वो खा ஆண்டவர் கோச்சிக்கு வராம போயிடல और परमेश्वर उसे नाराज होके आए बिना नहीं रहा அப்ப கூட வரார் तब भी वो அவன் பழத்தை சாப்பிட்டான்னு தெரியும் वो फल खाया पता है انا தெரியாத மாதிரி வந்து கேக்குறார் लेकिन फिर भी अनजान जैसे पूछते हां வரும்போது கோபத்துல வந்துட்டு எங்கடா இருக்கற அப்படினு வந்து கேக்கல आते ही गुस्से में आकर कहां है ऐसा सबने पूछे அவன் பண்ணது அவருக்கு புரியல पता है उन्होंने जो कि उनको पसंद नहीं है அது ஒரு மனசு கஷ்டமா இருந்துச்சு उनका दिल दुखाया انا அவர் கோச்சிக்கு அவங்க கிட்ட பேசாத போயிடல அதான் விஷயம் लेकिन वो नाराज होके उससे बात किए बिना रहने यही बात है उन எந்த ரிலேஷன்ஷிப்லயே में कोई भी संबंध சிலர் பண்றது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம் कुछ लोग करते हैं वो आपको बड़ा कष्ट पहुंचाता है விஷயம் என்னன்னா நீங்க கோச்சிக்கினு பேசாம போயிட கூடாது लेकिन बात ये कि आप नाराज होके बात किए बिना नहीं रहना எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது விளங்குதா मैं जो कह रहा हूं सभी को समझ में आ रहा है சிலர் பண்றது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம் कुछ लोग कुछ करते हैं उससे आपको बड़ा कष्ट होता है அதனால நீங்க கோச்சிக்கினு பேசாத போயிட கூடாது लेकिन इस वजह से आप उनसे नाराज होके बात किए बिना नहीं रहना உங்க கணவன் பண்றது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம் आपका पति जो कि आपके लिए बड़ा दुख होगा நீங்க கோச்சிக்கினு தூர போயிட கூடாது लेकिन आप नाराज होके इससे दूर नहीं चले जाना பாருங்க சில ரிலேஷன்ஷிப்ல உங்களுக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது देखो कुछ संबंधों में कोई रास्ता ही नहीं होता अरे और चर्चல இருக்கிற ஒரு பிரதர் ஒரு சிஸ்டர் انا கூட நம்ம கொஞ்சம் தூர போய்டலாம் हां चर्च में कोई ब्रदर है कोई सिस्टर है तो ठीक है उनसे दूर भी हो सकते हैं அது கூட ஆக கூடாது ஆனா ஒரு சான்சஸ் இருக்கு फिर वो भी नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हम चाहे तो कर सकते हैं انا ஒரே வீட்ல வாழ்ற ஹஸ்பண்ட் வைஃப் எப்படி தூரம் ஆக முடியும் लेकिन एक ही घर में रहने वाले पति पत्नी कैसे दूर रह सकते நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உங்க கணவன் இல்ல आप जैसा सोचते वैसा आपका पति नहीं है
அதுக்காக நீங்க ரொம்ப நொந்துகாதீங்க இஸ்லே பஹத் நிராஷ் மத் ஹோ ஜாவ் நீங்க ஆண்டவருடைய அன்புல பூரணப்பட்டீங்க ஆ பரமேஸ்வர் கே பிரேம் மே சம்பூர்ண ஹுவே தோ நீங்க தொடர்ந்து அவங்கள சேவிச்சிட்டே இருக்கலாம் அன்பு காமிச்சிட்டே இருக்கலாம் ஆப் லகாதார் உன்கி சேவா கர்க்கே பிரேம் திகாதே ரஹ சக்தி ஹோ அதே போல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உங்க மனைவி இருக்க மாட்டாங்க உசே பிரகார் ஆப் ஜேச சோசே ஆப்கி பத்னி நஹி ஹோகி ஆனா நீங்க लेकिन आप அவங்க உங்களுக்கு எல்லாம் செய்றாங்களே இல்ல நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அவங்க அன்பு காமிச்சிட்டே இருக்கலாம் वो चाहत के लिए सब कुछ करती है कि नहीं लेकिन आप चाहे तो उनको प्रेम दिखाते रह सकते हैं எல்லாரும் சொல்லுங்க आई एम फ्री टू लव सभी लोग कहे मैं आजाद हूं प्रेम करने के लिए आई एम फ्री टू सर्व और आजाद हूं सेवा करने के लिए எல்லாரும் திருப்பி சொல்ல आई एम फ्री टू लव सभी लोग कहे मैं आजाद हूं प्रेम करने के लिए आई एम फ्री टू सर्व और आजाद हूं सेवा करने के लिए உங்களை யார் அன்பு காட்டுறங்களோ இல்லையோ நீங்க எல்லாரும் அன்பு காட்டுறதுக்கான ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு இருக்கு நீங்க எல்லாருக்கும் சேவை பண்றதுக்கான ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு இருக்கு आपको कोई सेवा करे ना करे प्रेम करे ना करे लेकिन आप आजाद हो उनकी सेवा करने के लिए भी आप आजाद हो उनसे प्रेम करने के लिए ना सोले எல்லாரும் விளங்குதா मैं कह रहा हूं सभी को समझ में आ रहा है ஆண்டவர் அததான் செஞ்சிட்டு இருக்காரு परमेश्वर यही कर रहा है நம்ம பண்ற காரிய எல்லாமே ஆண்டவருக்கு சந்தோஷத்தை கொண்டு வரல हम जो भी करते हैं वो प्रभु को खुशी नहीं लाती எல்லா டைம் ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியத்தை நம்ம பண்ணல हां बाहर परमेश्वर को जो पसंद है वही नहीं करते நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து அவருக்கு அந்த அளவுக்கு சந்தோஷத்தை கொண்டு வரலனாலும் हमारी क्रियाएं परमेश्वर को उतना खुशी ना उन्होंने तुम्हारे पर जो प्रेम रखा इसमें कोई भी फर्क या बदलाव नहीं आएगा ये हम सभी लोग अच्छी तरह समझना बहुत से लोग क्या सोचते हैं नंब एंद तप्पुम पन्नाम हम कोई भी गलत किए बिना அப்போ பைபிளும் ஜெபமும் இருந்தா தான நம்ம ஆண்டவர் நேசிப்பார் जब देखो बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना तो ही ना प्रभु हमसे प्रेम करेंगे அப்படி அந்த அளவுக்கு ஜெபிக்க முடியாதவங்க அந்த அளவுக்கு பைபிள் வாசிக்க முடியாதவங்க इतना जो प्रार्थना नहीं कर सकते बाइबल नहीं पढ़ सकते என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா என்ன ஆண்டவர் அந்த அளவுக்கு நேசிக்கல நினைக்கிறாங்க वो क्या सोचते हैं कि शायद प्रभु मैं इतना ये सब नहीं करता तो प्रेम नहीं करते होंगे நீங்க பைபிள் வாசிக்கிறதையும் ஜெபிக்கிறதையும் பார்த்து ஆண்டவர்ங்களை அன்பு காட்டணும் தீர்மானிக்கல அப்ப परमेश्वर ने आपके बाइबल पढ़ने का देखकर या प्रार्थना करने का देखकर फैसला नहीं लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगा நீங்க எல்லாம் பொறுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே உங்க அன்பு காட்டனார தீர்மானிச்சிட்டாரு तुम्हारे जन्म लेने से पहले ही उन्होंने फैसला ले लिया कि मैं तुझसे प्रेम रखूंगा அவர் உங்களை நினைச்சி பார்த்து மனசுல நினைச்சி பார்த்ததனால தான் நீங்க இந்த உலகத்துல பிறந்தே இருக்கீங்க वो तुम्हारे लिए विचार करते थे इसीलिए तो तुम आज इस दुनिया में आए हो நான் சொன்னது உங்களுக்கு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா और मैंने कुछ दिनों पहले बताया था याद है तुम्हें நீங்க தான் ஆண்டவரோட ஃபேவரட் आप ही परमेश्वर के चहीते हो நீ ஏன் இந்த பூமியில பிறந்தீங்கனா आप इस भूमि में क्यों जन्म लिए पूछे तो உங்க அப்பா அம்மா நாளே நீங்க பிறக்கல आपकी माता पिता की वजह से नहीं கடவுள் உங்களை குறித்து நினைச்சிட்டே இருந்தாரு அவருடைய கனவு நீங்க நிஜத்துல உங்களை கொண்டு வந்தார் और परमेश्वर लगातार आपके ही बारे में सोचते थे आपके ही सपने देखते थे और वो सपना पूरा हो गया आज आप यहां உங்களுக்கு சொல்றது புரியதா मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है உங்களை பத்தி அவர் யோசிச்சிட்டே இருந்தார் और तुम्हारे बारे में ही वो सोचते रहते थे நீங்க அவருடைய கனவா இருந்தீங்க आप उनका सपना था உங்களை இந்த பூமியில கொண்டு வரணும்ன்றது அவருடைய கனவா இருந்துச்சு आपको इस भूमि में ना उनका सपना था உங்களை இந்த பூமியில கொண்டு வந்து உங்க கூட ரிலேஷன்ஷிப் வைக்கணும்ன்றது அவரோட ஆசை और इस भूमि में लाना इस भूमि में आपके साथ रिश्ता बनाए रखना इनके आस्था ஆண்டவர் உங்களை இந்த பூமியில கொண்டு வந்திருக்கார் इसीलिए प्रभु ने तुम्हें इस भूमि में लाया எந்த அப்பா அம்மா கையிலயே இல்ல இந்த புள்ள எப்படி பிறக்கும் ஆணா பிறக்குமா பொண்ணா பிறக்குமான்னு எந்த அப்பா அம்மா கையிலயும் கிடையாது और किसी मां-बाप के हाथ में नहीं था कि ये लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा करेंगे ये किसी के हाथ में नहीं था குழந்தை உண்டாவதே ஆண்டவருடைய பெரிய gift தான் और बच्चा पेट में आना ही वो एक बड़ा प्रभु का उपहार ஆண்டவர் தான் உங்களை குழந்தையா உண்டாக்கி வெளியில கொண்டு வந்து அவரோட ட்ரீமை நிறைவேத்தி இருக்கிறார் ஆ பரமேஸ்வர் நஹி आपको கோக் மே லாகர் இஸ் દુனியா மே லாகர் अपने सपने को पूरा किया ஆண்டவர் உங்க மேல அதிகமான அன்பு வெச்சிருக்கார் ஆ பரமேஸ்வர் ने आप पर अधिक प्रेम रखा நான் உங்களுக்கு இது காரியத்தை சொன்னேன் मैंने आपसे एक बात कही थी நம்ம ஆண்டவருடைய அன்புல பூரணப்பட்டே போறோனா எதுக்கும் பயப்பட மாட்டோம் अगर हम परमेश्वर के प्रेम में संपूर्ण होते चले जाएंगे तो हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं ஆட்களோட செயல் வந்து நமக்குள்ள பாதிப்பு கொண்டு வராது और खास करके जो लोगों के जो क्रियाएं जो काम है वो हमें बाधित नहीं कर सकते मन से कष्टமா இருக்கலாம் मन कष्ट होगा ஆனா நீங்க ஆண்டவர் அன்புல பூரணப்பட்டீங்கனா கோச்சினு பேசாம எல்லாம் போய்ட மாட்டீங்க लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध हो जाओगे तो आप नाराज होकर बात किए बिना नहीं रहोगे நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியதா मुझे कह रहा समझ में आ रहा है இப்போ இன்னொரு ஒரு ஆங்கிள் நம்ம பாப்போம் अब और एक जो है दिशा से हम देखेंगे இப்போ ஆண்டவர் நம்ம மேல அன்பு வச்சிருக்கிறார் அப்ப பரமேஸ்வர் உன் பேர் பிரேம் ரக்கே இப்போ ஆண்டவரோட அன்பு எவ்வளவு கேவலோக்கு நீங்க புரிஞ்சிக்கிறீங்களோ அப்ப இஸ் பரமேஸ்வர் கே பிரேம் கோ கித்னா கித்னா சம்ஜோகே அந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கிற பலவிதமான பயங்கள் உங்களை விட்டு நீங்கும் उतना उतना इस संसार का भय आपको दूर छोड़कर चला जाएगा நிறைய பேருக்கு பலவிதமான பயங்கள் இருக்கு बहुत से लोगों को बहुत प्रकार का डर है புள்ளங்களோட எதிர்காலத்து குறித்த பயம் बच्चों का भविष्य का डर சிலர் அவங்களோட எதிர்காலத்து குறித்த பயம் कुछ लोग अपने खुद के भविष्य को लेकर डरते சிலருக்கு இப்படி எல்லாம் பயம் என் புள்ளங்க எல்லாம் கல்யாணம் ஆயிட்டு போயிட்டாங்கனா என்ன யார் பாத்துக்குவா कुछ लोगों को ऐसा
ऐसा डर है कि मेरे बच्चों की सब शादियों के चले जाएंगे तो मुझे कौन संभालेगा, सभी लोग चले जाएंगे तो मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन संभालेगा। और खास करके उन लोगों को जो जिनके पास पैसे नहीं, वो इस बारे में बहुत डरते, बच्चे हमें संभालेंगे नहीं तो क्या करेंगे, वो एक डर। सिलर गंदे पाना तेवे इले कुरी तो बायो, कुछ लोगों को जो है पैसों की आवश्यकता का डर। सिलर गंदे व्याधि कुरी तो बायो, कुछ लोगों को बीमारी का डर। व्याधि लंदे वेली लो वरु माँ वरम आटम, इस बीमारी से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, अदूर बाया मार के दे, वो डर सा है। अंदर बाया वंदे यहाँ वर्दन सोना, वो डर क्यों आता पूछे तो? देवनोडे अनब नम इन पुरजी का नाले, परमेश्वर का जो है प्रेम हमने अभी तक समझा नहीं सोचा। परमेश्वर तुमसे बेहद प्रेम करते, ये अगर आप जान गए तो आप चंगे हैं या नहीं है वो सब कोई सवाल ही नहीं उठेगा। अधिकमा ने ना विलंगीन सोना, परमेश्वर मुझसे बेहद प्रेम करता है आपको समझ में आ गया तो आंडर इन कष्ट विटार भयमे कमेश्वर मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेगा या नहीं निकालेगा इसका डर ही नहीं रहेगा। ஆண்டருடைய அன்பு பயத்தை புறம்பே தள்ளுமா? परमेश्वर का प्रेम भय को दूर करता है। நீங்க கவலையே பட மாட்டீங்க, आप चिंता ही नहीं करोगे, நான் யார் பாத்துக்குவான்ற பயப்பட மாட்டீங்க, मुझे कौन संभालेगा इसका डर ही आपको नहीं होगा। நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், मैं आपसे कहता हूं, எந்த அளவுக்கு அந்த பயம் இல்லாம ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்க வாழ்க்கை சிறப்பா இருக்கும். आप जितना हद तक जो है भय बिना जीते हो उतना आपका जीवन जो है बहुत अच्छा होगा। நிறைய பேர் பயத்தினாலே எல்லாத்தையும் இழக்குறாங்க பாருங்க, बहुत से लोग भय की वजह से बहुत कुछ खो बैठते हैं। यदि आप इंद्रोमोंर பயத்திலே நிறைய பேர் இழந்துருவாங்க, मैं कुछ खो बैठूंगा क्या, खो बैठूंगा क्या, इस डर में खो बैठते हैं। நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியதா? मुझे कह रहा हूं समझ में आ रहा है? நிறைய பேருக்கு அது ஒரு பயம், बहुत से लोगों को एक डर, நிறைய அம்மா மார்களுக்கு இது ஒரு பயம், बहुत से माताओं को ये डर। என் புள்ள கல்யாண ஆயிச்சுனா பொண்டாட்டி பின்னாடி போய்டுவானே, मेरा बेटा जो शादी के बाद जो है मेरी वो जो अपनी पत्नी के पीछे चला जाएगा। இவங்க கல்யாணம் ஆகும்போது இவங்க புருஷன் இவங்க பின்னாடி வந்தா தப்பு இல்ல, और इनकी जब शादी हुई वो शादी करके अपने अपने पति के पीछे पीछे गए, वो जो उसका पति पीछे पीछे है वो परवाह नहीं। ஆனா இப்போ இவங்க பையன் வந்து அவன் பொண்டாட்டி பின்னாடி போனா தப்பு, लेकिन अब इनका बेटा अपनी पत्नी के पीछे जाए तो वो गलत है। அதனால அப்பப்போ அம்மா சொல்லுவாங்க, इसलिए तभी तभी मां कहती है, கல்யாணா தும்னடே சொல்லி இருப்பாங்க, और शादी के पहले भी कहा होगा, அடிக்கடி ஒரு சலிப்பா ஒரு வார்த்தை சொல்லிக்கிறது, और जब देखो जो एक जो ताना मारने जैसा। ஆமா என்னத்த பண்ணுவீங்க, எல்லாம் கல்யாண ஆயிட்ட பொண்டாடி பின்னாடி போய்டுவீங்க, और ऐसे ताना मारेंगे कि जो है क्या तो कर लोगे, शादी होएगा तो पत्नी के पीछे पीछे चले जाओ। அதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், यही शुरुआत, அந்த அம்மாவோட வாழ்க்கையில கஷ்டத்துக்கு அதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், और उस औरत के जीवन के कष्ट का यही जो है शुरुआती कार्य। தவளை தன் வாயால கெடுமா, और जो है कहा जाता है कि मेंढक जो है अपने मुंह से ही बिगाड़ लेता अपना सब कुछ। अगर अपना मुंह बंद करके चुपचाप रहता तभी वो मेंढक जी जाता। और ये जो है मेंढक जो है मुंह बंद के बिना जो है आवाज करते रहने की वजह से जो जो सांप उसको पता भी नहीं कि उधर मेंढक है, वो उसके कान भी अच्छे सुनाई देते बोलते, वो आ जाता है खाप पकड़ने के लिए। सुम्मा अंदाला उयिरोड अंदिरुकुम, और चुपचाप आते तो भी जो है जी जाते। ये सुम्मा कत्ती कत्ती है वंदे सावम बात है, और ये जो बस यूं चिल्ला चिल्ला के मरता है। आज मत ना नरे पेर पोई तावला दे कष्टत लपोई माटी, और इसी प्रकार से कई सारे लोग जो है अनावश्यक कष्ट में जाके फंस जाते। खाली अंतिक मुनाडिया स्टार्ट पनी डरा, और शादी के पहले शुरू कर देते। आमा यल्ला इप्पदां गावन इप्पा पंडाटी वंदा पंडाटी पिनाडिया पोई डवेन। हाँ अभी सब देखेंगे, शादी हुआ तो जो पत्नी के पीछे पीछे चले जाएंगे। நான் இங்க இருக்கிற எல்லா அம்மா மார்களுக்கும் சொல்றேன், और यहां बैठे सभी जो है माताओं से मैं कहना चाहता हूं, உங்க பையனை எப்பாவும் பொண்டாட்டிய பார்ப்பாவும் பொண்டாட்டிய பார்ப்பான் எவ்வளவு சொல்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு உங்க பையன் உங்களை பார்ப்பான். आप जितना जितना जो है अपने बेटे से कहोगे कि अपनी पत्नी को संभाल भाई, अपनी पत्नी को देख, अपनी पत्नी को देख, उतना उतना आपका वो बेटा जो है आपको देखेगा। நீங்க நல்ல ஞானமான ஒரு தாயா இருந்தா, अगर आप एक अच्छी ज्ञानी माँ है तो என்ன ஒற்றுபா நீ மனைவிய பார்ப்பா அப்படினு சொல்லுங்க, तो आपको ऐसा कहना चाहिए कि मुझे छोड़ भाई तो अपनी पत्नी को संभाल। அதுக்கு அப்புறம் பாருங்க உங்க பையன் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சி தனி குடுத்துனமே போக மாட்டான், तब देखो जो है आपका बेटा आपको छोड़ के जो है अलग रहने जाएगा ही नहीं। உங்க பையனே போறனால மருமக வேணும் அம்மா விட்டு எப்படி போறதுன்னு சொல்லு। अगर आपका बेटा जाना बोले तो भी बहू बोलेगी कि कैसे तुम्हारी माँ को छोड़ के जाएंगे। इप्पो इन्ना प्रचनी आगे ना, आप क्या समस्या पूछे तो? इप्पो पाये नडुला मार्टिन करा रेंड पेर के नडुला मार्टिन और कंपटीशन मार नडक दे। आप जो है बेटा जो फंस चुका है दोनों के बीच में जो है कजे स्पर्धा चालू है। इंगा अम्मा उन्दे टेस्ट पन रंग नाम मुख्य माँ वो पंडाटी मुख्य माँ। अब यहाँ माँ जो है टेस्ट में डालती है, मैं जरूरी हूँ या तेरी बीवी जरूरी है। एंडा पेत्ता ताय वेड़ा इन्नी के वंदा पुण्य दान मुख्य माँ डा क्या भाई, अभी जो मैंने पैदा किया छोड़कर जो है लड़की
तेरे लिए जरूरी है क्या कर आप यहाँ कल्याण बनी वेकरी तो मैं पूछता हूँ फिर क्यों तो शादी करवा कर रहे कल्याण में पनी वेक्या दिंगे तो फिर शादी मत करवाओ வீட்ல வெச்சீங்க انا பாத்துக்கடா கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணிக்காதேன்னு तो घर में ही रख लो भाई मुझे संभाल तू शादी मत कर நான் ஒரு பிரதர் ரீசன்ட்டா பார்த்தேன் और मैं हाल ही में एक जन को मिला அவருக்கு கிட்டத்தட்ட 50 வயசு ஆக போகுது ओ பிரதர் का उम्र करीब करीब 50 साल हो रहा है அவருக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகல उनके अभी तक शादी ही नहीं हुई நான் கேட்டேன் ஏன் பிரதர் கல்யாணம் ஆகலன்னு मैंने पूछा क्यों भाई अभी तक शादी नहीं की நான் கல்யாணம் ஆயிட்டேன் எங்க அம்மா யார் பாத்துக்குவான்னு கல்யாணமே பண்ணிக்கல வாழ்க்கை எங்க அம்மாக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டேன் और वो कहने लगा कि जो अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरी माँ को कौन संभालेगा इसलिए मैंने मेरी माँ के लिए जो अपना जीवन त्याग दिया और बहुत अच्छा इंसान बच गया वो जो एक अच्छा जो है शांतिपूर्वक जीवन जी रहा है हाँ वो मर फुटबॉल आ रहा मैं रेंडित की नडुलो माटी नहीं रख रहा और वो जो है फुटबॉल के जैसा जो है दोनों के पैरों के बीच में अटक के है बाकी जो और वंदा और लाइफ है सैक्रिफाइस पंड अब उन्होंने अपना जीवन ही जो है बलिदान दे दिया उन्हें आपूरी पोइंट नो या तो एक ऐसा चला जाना है याद अम्मा सोली ने अप्पा नहीं संतोष मांदा पोदम पा नहीं नल्ला रंग पा अपनी सोली उठ रहे नो या तो माँ जो होती है कह देना है कि भाई तू अपनी पत्नी के साथ खुश रहे अच्छे से रहे ऐसे बोलना है दिलवार है अम्मा यदि कहता ना आड़ आर में चिड़वांगे और उसके ऊपर जो है माँ जो है हर बात के लिए रोना शुरू कर देगी इतने नाल ना उन्हें पेतु वाले तेरे इन्ना कैटेज और इतना दिन मैंने इतना तकलीफ उठा के तुझे पैदा किया पाला मुझे क्या मिला इन्नीको वंदा पोंडाटी पिनाडी पोर आव पेचे केकर याम पेचे केक माटन आज आई हुई पत्नी के पीछे पीछे जाता उसकी बात सुनता मेरी बात नहीं सुनता सर इवन नेपा सर अम्मा दा पुरिंजिक माटनरांग सर वाइफ किटियाद போய் पुरिंजिक சொல்லான் போனா ரெண்டுமே அதே மாதிரி தான் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டாங்க और चलो ये पति सोचता है चलो मां तो नहीं समझ रही पत्नी तो समझेगी ऐसा बोल के पत्नी के पास जाता है तो वो भी नहीं समझती दोनों भी नहीं समझते इवांग போய் சொல்லுவா ये वो जाकर बोलेगा அவங்கள மாத்த முடியாது அவங்கள விட்டுட்டு நம்ம தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும்ட்டே और पति आकर बोलेगा उनको हम बदल नहीं सकते हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे அங்க போய்ட்டு ஏதோ சொன்னா கொஞ்சம் வைஃப் ஹெல்ப் பண்ணுவான் பார்த்தா और वहां जाकर बोलेंगे पत्नी कुछ मदद करेगी सोचेंगे तो அங்க வைஃப் சொல்வாங்க वहां पत्नी बोलेगी உனக்கு உங்க அம்மா முக்கியனோ உங்க அம்மா ஓடி போய்டு अगर तुझे तेरी मां मुख्य है तो अपनी मां के साथ चले जा நான் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போறேன் मैं मेरी मां के घर चली जाऊंगी இவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல இதுவும் புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்னு அவங்களும் புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றாங்க और इसको कुछ समझ में नहीं आता ना मां समझती है ना पत्नी समझती है இவங்க மண்ட பிச்சிக்குது பாத்து और उसका सब घूम जाता है देखो இது வந்து ஆரம்பம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா அம்மா கிட்ட இருந்து ஆரம்பிக்குது அப்ப இதுக்கு शुरुआत कहां से होती है पूछेंगे तो मां से होती है பசங்களை வாழ வைக்கிற கெபாசிட்டி வந்து பெரியவங்க கிட்ட தான் இருக்குது பாத்து और जो है बच्चों को अच्छा जीवन देना बड़ों के हाथ में होता है பெரியவங்க தான் சொல்லணும் போப்பா சந்தோஷமா இருங்க அப்படினு बड़े ही बोलना है कि जा भाई खुश रह அப்படி நீங்க சொன்னீங்கனா உங்களுக்கு எல்லாம் திரும்ப கிடைக்கும் ऐसा अगर आप बोलोगे तो सब आपको वापस मिलेगा எல்லா குடும்பமா உங்களை தலையில தூக்கி வெச்சின்னு கவனிப்பாங்க सभी लोग तुझे तुम्हें जो सर पे चढ़ाकर जो चलाएंगे இல்லன்னு வெச்சீங்களா नहीं तो समझो முதல்ல தனியா போய்டுவாங்க पहला तो वो अलग जाएंगे அப்பமா நீங்க உட்கார்ந்து வர போற பொம்பளைங்க எல்லாம் அழுது நிப்பீங்க என் புள்ளைய இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்திருப்பேன் அவ வந்து கூட்டி போய்ட்டான் और वो बोलेगी सबके पास आने जाने वाले के पास माँ बोलेगी कि मैंने कितना मुश्किल से मेरे बच्चों को पाला और वो चली गई है चला गया है இதலவேற பயங்கரமா வாட்ச் பண்ணே இருக்குது और उसके ऊपर से बहुत देखते रहेंगे கொண்டாட்டியே சாப்ரியான் கேட்டான் என்ன சாப்ரியான் கேட்டானா और जो है पत्नी को पूछा खाई क्या लेकिन मुझे पूछा क्या खाई ये तो அவளுக்கு மாத்திர எத்தனை பே குடுத்தானே ओ देखो जाके खाली अपनी पत्नी को ले जाके दिया அவளுக்கு பபிள் கம் மைண்ட் பே குடுத்துるபா உங்களுக்கு பல்லே இல்ல உங்களுக்கு எதுக்கு அது वो पत्नी को जो है च्युइंगम ले जाकर दिया होगा तुमको दांत ही नहीं फिर क्यों ला कर देगा वो ये दिया था उन कुर्तन पोरा कुछ तो दे देता है அப்படிலாம் நோட் பண்ண கூடாது அங்க என்ன குடுக்குறாங்க இங்க என்ன குடுக்குறாங்க அங்க என்ன கேட்டா இங்க என்ன கேட்டா அப்படியே டென்னிஸ் மேட்ச்ல அம்பையர் பார்க்கற மாதிரி பார்த்து நிக்க கூடாது माँ जो है देखती ही रहती है कि पत्नी को क्या दिया उस मुझे क्या दिया वो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है जैसे अंपायर मैच में देखता वैसे ही वो देखती ही रहती है ऐसे नहीं देखना चाहिए उर्मिया रखना हक से रहो इन्ना वेनुमा இனி என்ன என்ன பண்ணிக்க எனக்கு இது இது வேணும் அதெல்லாம் கொடுத்துருன்னு சொல்லி விட்டுறணும் ஹக் சே ரஹனா து சா ஜோ பீ கர் முஜே ஏ ஏ சாயே போல் கே छोड़ देना கேட்டா எல்லாம் கிடைக்கும் மாங்கங்க தோ சப் மிலேகா எல்லாம் சொல்லுங்க கேட்டா எல்லாம் கிடைக்கும் சபி லோக் கஹோ மாங்கே தோ சப் மிலேகா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கேட்டுங்க तुम्हें जो चाहिए तो मांग लो सो இந்த பயம் இருக்குது பாருங்கல तो ये डर जो होता है देखो பயத்துனாலயே எல்லாம் நடக்குது பாத்து और डर की वजह से सब होता है
पूर्ण पड़लिया और कहा गया कि जो भय में चलता है वो अभी तक प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। गेली देखो यहाँ पर आए किसी का भी मजाक उड़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। உங்க பிள்ளைகளெல்லாம் எழுந்து கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக சொல்றேன் मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि तुम ये डर में कार्य करके अपने बच्चों को खोकर कष्ट ना उठाओ इसलिए நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா मैं ये कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है நீங்க எந்த அளவுக்கு அவங்கள ஃப்ரீயா விடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்கள நல்லா பாத்துக்குவாங்க आप जितना उन्हें आजाद छोड़ोगे उतना वो तुम्हें अच्छे से देखेंगे வெள்ளையாட்டு கூட சொல்லாதீங்க और मजाक में भी मत बोलो வெள்ளையாட்டு கூட சொல்லாதீங்க உங்களுக்கு வைஃப் தான் முக்கியம்ன்றே मजाक में भी मत बोलना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए जरूरी है அன்னிக்கு அதான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆயிடும் और वहीं से वो शुरुआत होती है நீங்க நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டா இருங்க आप बहुत ही आत्मविश्वास में रहो உங்க பையன் तुम्हारा बेटा எனக்கு இது வேணும்னா எடுத்துட்டு வந்து தருவோம் और तुम बोलोगे कि मुझे चाहिए तो तुम्हें लाकर देगा அப்ப எடுத்துட்டு வந்து தரலன்னு வெச்சீங்களா अगर ऐसा लाकर नहीं दिया समझो நீங்க ஒழுங்கா வளக்கலன்ற அர்த்தம் इसका मतलब तुमने इसे अच्छे से पाला नहीं உங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கற அளவுக்கு நீங்க என்ன பண்ணல ஒழுங்கா வளக்கலன்ற அர்த்தம் तुम्हें आदर दे उस हद तक तुमने उसे पाला नहीं உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு என் புள்ளைய நான் நல்லா வளத்துறேன் அப்படினா अगर तुम्हें विश्वास है कि मेरे बच्चे को मैंने अच्छा पाला है நீங்க உட்கார்ந்து உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேட்டு வாங்கிக்கலாம் आप बैठे जगह में जो चाहे आप मांग कर ले सकते हो ஆனா அவங்க விஷயத்துல நம்ம வந்து தலையிட கூடாது लेकिन उनके मामले में दखल नहीं देना ना உங்களுக்கு சொல்றது புரியதா मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है அன்புல பூரணப்படுங்க और प्रेम में सिद्ध हो जाओ அறியா விதமான பயத்துல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகும் और बहुत प्रकार के डर से हम छुटकारा पाएंगे அன்புல பூரணப்பட்டன்னு வெச்சீங்க और प्रेम में सिद्ध हो गए समझो நறியா விதமான பயத்துல இருந்து விடுதலை ஆகும் बहुत प्रकार के डर से हम छूट जाएंगे நறியா ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பயம்தான் அதிகமா இருக்குது அன்பை விட और जो बहुत से पतियों को जो है प्रेम से भी ज्यादा डर है சில ஹஸ்பண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா और कुछ पतियों को देखेंगे तो रुम्बो भाया इनसिक्योरिटी बहुत ही जो है उन असुरक्षितता की भावना इवर विडा उनका माने भी कुछ अलग आर पांगा और उनसे जरा उनकी पत्नी खूबसूरत होती है अदनाले इवर भाया इसलिए उनको एक डर यन्ना कंडिका तो पेड़ वालो कहीं वो मुझे देख मेरा ध्यान दिए बिना तो नहीं रह जाएगी அதனால அவ எங்கயாவது கடைக்கு போனாலும் ஏன் இவ்வளவு லேட் इसलिए कहीं वो दुकान भी जाती है तो क्यों उतना लेट हुआ उन्नो निन्ना कुट्रो अंग போய் निन्ना कुट अंगे निन्नु பாத்து நிக்கிற இங்கே நிக்கிற और कहीं खड़े कहीं देखे तो गुनाह हो जाएगा क्यों वहां खड़े क्यों वहां देख रहे थे எல்லாத்லயுமே குற்றம் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பேன் हर बात में वो गलतियां ढूंढते रहेगा மண்ட பிச்சிக்கும் அந்த மாதிரி ஆளு கிட்ட இருக்கிற பொண்ணுக்கு மண்ட பிச்சிக்கும் और ऐसे पति के पास जो पत्नियां होती है वैसी लड़कियां जो परेशान हो जाती है ना இவருக்குள்ள ஒரு பயம் क्योंकि इनके अंदर एक डर यार கிட்டயே கொஞ்ச நேர நின்னு பேசிட்டா போதும் किसी के पास जरा देर खड़े रह के बात किए तो बस அந்த ஆளு சரி கிடையாது நான் சொல்றேன் அந்த ஆளு கிட்ட நீ ஜாஸ்தி பேச கூடாது मैं कहता हूं देखो आदमी ठीक नहीं उसके पास ज्यादा बात नहीं करना அந்த ஆளு ஒரு மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் और मैंने सुना है कि वो आदमी जैसा है அந்த ஆளு பொம்பளை விஷயத்துல சரியில்லாதவன் और वो आदमी जो है स्त्रियों के मामले में ठीक नहीं है यार गिले कुछ पर्सनल है उनको भय வந்துரும் பாத்தீங்க किसी से थोड़ा बात किए तो भी इनको डर आ जाता है ஏனா இவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் தான் இருக்குது क्योंकि इनके अंदर एक डर है இது மாதிரி பயந்து பயந்து சந்தேகப்பட்டு எல்லாத்தையும் கெடுக்குற ஆட்கள் எல்லாம் இருக்காங்க और ऐसे डर डर के शक कर कर के जो है सब कुछ बिगाड़ देने वाले लोग भी நான் இருக்கற எல்லாருக்கும் நான் சொல்றேன் यहां पर है सभी से मैं कहना चाहता हूं ஐயோ சந்தேகத்துக்கு மருந்தே கிடையாது देखो शक का कोई इलाज ही नहीं சந்தேகம் வந்துச்சு யாருக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு அவங்க செத்தாங்க और जिनको शक का बीमारी लग गया वो मर गया அதுக்கு மருந்தே கிடையாது उसका कोई दवाई ही नहीं நான் இருக்கنا ஒரு டைம் சொல்லி இருக்கறேன் திரும்பியும் சொல்றேன் और पहले भी मैंने कहा है मैं फिर से कहता हूं ஒரு ஆளுக்கு திடீர்னு ஒரு டவுட் வந்துச்சு एक आदमी को अचानक से एक डाउट आ गया இது ஏன் குழந்தை தானா அப்படினு ये मेरा ही बच्चा है क्या இதனால அடிக்கடி சண்டை வந்துட்டே இருந்துருக்குது और इस वजह से बार-बार झगड़ा होता रहता है சரி சண்டை வந்து DNA டெஸ்ட் வரைக்கும் போயிட்டாங்க और ये झगड़ा आखिर में DNA टेस्ट तक चला गया DNA टेस्टல ப்ரூவ் ஆயிச்சு அது வந்து அவரோட குழந்தை தான்ட்டு और DNA टेस्ट में ये जो है साबित हो गया कि उनका ही बच्चा है இப்ப அவர் என்ன பண்ணிருக்கணும் अब वो क्या करना चाहिए था याद திருப்தியா இருக்கணுமா अब तो भी उनको सुकून पहुंचना चाहिए था நான் டவுட் பண்ற ஆளாச்சே अब ये तो शक करने वाला इंसान था இப்ப இருக்கு ஒரு டவுட் அந்த DNA டெஸ்ட் கரெக்ட்டா தான் வந்துச்சுன்னு எப்படி தெரியும் अब उनको ये शक होने लगा कि अब ये DNA टेस्ट भी सही है बोल रहा करके किसको गारंटी ना नंची ना नी सेट वार के लिए नी सेट नंची ना ना मैं सोच लिया तू मरा जिंदगी में तू मर ही जाएगा इसलिए मरने के डर इसका कोई दवाई ही नहीं नंबी की नडी पड़े लगा वार के ओढ़ दे देखो जिंदगी जो है एक भरोसे के आधार पर ही चलता है काटोल नंबनो काटोल उंगला कापातो रों कुटुंबत कापातो नी काटोल नंबनो तुम परमेश्वर पे भरोसा रखना है परमेश्वर पे भरोसा रख के चलना है कि मेरे परिवार को संभालेगा वोट संदेह पट संदेह
जब देखो शक करना डरना शक करना डरना ये जो है प्रेम में नहीं होने का कार्य சில சிஸ்டர்லாம் சர்ச்சுக்கு வர முடிய மாட்டேங்குது और कुछ சிஸ்டர்ஸ் சர்ச் நீயா பாத்து நான் ஹஸ்பண்ட் வெளியில விட மாட்டேன்றாங்க क्योंकि पति जो है बाहर नहीं छोड़ता எங்க போனாலும் சந்தேக படுறாங்க कहीं भी जाओ तो शक करते சொன்ன டைமுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிச்சானே நீ 5 மணிக்கு வர நீ 5:30 ஆயிடுச்சுன்னு ஆளு காணுமே और 5 बजे बोले और 5 से थोड़ा लेट हो गया तो बोले तुम 5 बजे आओगी बोली थी अब 5:30 हो गए நீ அங்க தான போறன்னே இங்க எதுக்கு போனே तुम वहां जा रही बोले फिर वहां क्यों गई यो संदेह வந்துச்சுனா நிம்மதியா இருக்கவே முடியாது देखो शक आ गया तो जो सुकून से रह ही नहीं सकता भयम இதெல்லாம் வந்து ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது பாத்து இஸ் அவே டர் ஹஸ் கா கோ இலாஜ் ஹி நீ நான் சொல்றேன் ஆண்டவரோட அன்புல நாம் பூரணப்படணும் देखो मैं कहता हूं कि आपको परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध होना है நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியதா मुझे कह रहा हूं समझ में आ रहा है ஆண்டவரோட அன்புல பூரணப்படணும் परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध होना अड्डा मेल उंगले नंबी के रखना परमेश्वर के ऊपर एक भरोसा अड्डा दा उंगले कुटुंब ता कापातवा परमेश्वर ही तुम्हारे परिवार को संभालेगा अड्डा दा उंगले गदवी सेवा परमेश्वर ही आपकी मदद करेगा अड्डा दा उंगले कुटुंब ता आशीर्वदिपा परमेश्वर ही आपके परिवार को आशीष देगा उंगले नंबी के फुल अवर मेल रखना आपका भरोसा पूरा उनके ऊपर रहना अपदा वाळकिड समाधानमा இருக்க முடியும் तभी जीवन में आप सुकून से रह सकते इल्लन वचिंग ओरे मंडा पिचिक वेंडियदा नहीं तो समझो फिर जो है आपको सर पटक लेना पड़ेगा नला ना सोलद केटेंगे और जो मैं कहता हूं अच्छी तरह सुन ले ஆண்டவரோட அன்பு நம்மளை ஏவி கொண்டே இருக்குது एक तरफ है जो परमेश्वर का प्रेम हमें उकसाता है இன்னொரு பக்கம் பிசாசுனுடைய பயம் நம்மளை நெருக்கி கொண்டே இருக்கு और एक तरफ जो शैतान का डर हमें जो दबोचता रहता है எதுக்கு நீங்க ரெஸ்பான்ட் பண்ண போறீங்கன்றது உங்களுடைய சாய்ஸ் आप किसके प्रति आप झुकते हो ये आपके ऊपर है பிசாசு உங்களை பயத்துல தள்ள பாப்பா और शैतान तुम्हें जो है डर में दबाने देखेगा कोई சொல்றதுல பயங்கரமான எக்ஸ்பர்ட் और वो झूठ बोलने में बहुत ही निपुण है नेगेटिव आना कार्य इंगल लाए उनका कंडू मुनाडी कंडू वाला दिलाऊं एक्सपर्ट और नकारात्मक बातें आपके आंखों के सामने लाने में वो निपुण है அந்த மாதிரி காரியங்களை கொண்டு வந்து பயத்தை கொண்டு வந்துட்டே இருப்பான் और ऐसे कार्य ला ला करो तुम्हें डर लाता रहता அந்த நேரத்துல நீங்க என்ன பண்றீங்கனா எந்த அளவுக்கு பிசாசுனுடைய பொய்ய நீங்க கேக்குறீங்களோ செவி குடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பிசாசை நீங்க பலப்படுத்துறீங்க उस समय में अगर आप जितना शैतान की सुनोगे उस पर भरोसा करोगे डरने लगोगे उतना ही जो है आप जीवन में डरते चले जाओगे இப்படி யோசித்து பாருங்களே जरा सोच कर देखो whenever we listen to the lie we trust we empower that liar देखो जब कभी हम जो है झूठ को सुनने लगते हैं मानने लगते हैं तो वो झूठ बोलने वाले को हम एक सामर्थ देते हैं उंगले वत पोई सोली या मात्रा समझो कोई आपको झूठ बोल के धोखा देता है अब उंगले या मात्रा तेरियामे नहीं नंबीने इरनी नचिंगला अगर वो झूठ बोलने वाले पर आप भरोसा करते रहते हो और ये मानते हो कि जो कह रहा है सच है अब पोई सोल रहा है ना பண்ணுவா பாத்துங்க तो जो झूठ बोल रहा है क्या करेगा देखो संतोषமா पोई சொல்லிட்டே இருப்பான் वो बड़ी खुशी से और झूठ बोलता है यानी तिरंदी चीज और यामांद पीस இது எவ்வளவு வேணா சொல்லி ஏமாத்தலாம்ட்டு क्योंकि उसे पता चल गया कि ये तो झूठ जो ये मतलब धोखा खाने वाला व्यक्ति इसको कितना चाहे हम इसको धोखा दे सकते हैं என் फ्रेंड्स இருந்தாங்க मेरा दोस्त था எல்லாம் சேர்ந்து என்னோட கசின் ஒருத்தனை ஏமாத்துவானுங்க பாத்துங்க और मेरे कई दोस्त थे सारे दोस्त मिलकर जो है मेरे रिश्तेदार को जो है धोखा देते थे என் கசின் அவ வந்து நல்ல பணம் வச்சிருப்பான் और वो मेरे रिश्तेदार के पास अच्छा पैसा होता था அவ அப்பா வெளிநாட்டுல இருந்தாரு और उसके पिता विदेश में थे எங்க யார் கையிலயுமே காசு இருக்காது हमारे किसी के पास पैसे नहीं होते அவ கையில மட்டும் தான் காசு இருக்கும் सिर्फ उसके पास पैसे रहते அவ கையில காசு வாங்குறதுக்காக अब उसके पैसे निकालने के लिए எல்லாரும் போய் சொல்லுவானுங்க सब लोग झूठ बोलते थे அவ வர டைம் பார்த்து அப்படியே அழுற மாதிரி இருப்பானுங்க. वो जब सामने से आता उसको देखकर जो रोने के जैसा बैठ. ரொம்ப கியூரியஸ் ஆனால எல்லாத்தையும் துருவி துருவி கேள்வி கேக்குறா. और वो भी बहुत ही उत्सुक इंसान था. कुछ भी होगा तो क्या है खोद खोद के पूछेगा. हां वंदा. वाह. हां வரும்போது எல்லாம் அழுற மாதிரி இருந்தாங்க. और वो आया तो सभी लोग रोने जैसा बैठे थे. क्यों कहता ना यहां அழுறீங்க? और पूछना क्यों भाई क्यों रो रहे हो? डे पीटर செத்துட்டான்டா. और कहने लगे देखो पीटर मर गया पीटर ने एकला फ्रेंड पीटर मतलब उनका दोस्त पीटर செத்துட்டான்டா और पीटर मर गया भाई ना ना बोल रही है सायंकालम தான பார்த்தேன் वो बोले क्या भाई बोल रहे हो शाम को ही तो देखा था सायंकालम தான்டா செத்தா और शाम को ही मरा रे माल வாங்குறது கூட காசு இல்லடா अब उसके पर हार चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं है உடனே இவன் காசு எடுத்து குடுத்து और झट से पैसे निकाल कर दिया இவங்க கிட்ட எப்படி அப்பா பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒரு பொய் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இஸ்கே பாஸ் ஜப் देखो कुछ कुछ झूठ बोलते ही रहेंगे. இவனோ ரொம்ப இன்னசென்ட். और ये ना बड़ा नादान था. யாரே ஏதா சொன்னா அப்படியே கியூரியஸா இவனே போய் அதல மண்டே விட்டு கேள்வி கேட்டு இவனே போய் எல்லாத்தையும் குடுத்துட்டு வந்துரும். और ये सब जानने के लिए उत्सुक रहता था और जैसे मानो यही अभी सब उतर के करने जैसा वही उतर जाता और सब कुछ करता. எல்லாரும் தெரிஞ்சிச்சு இவன் சரியான ஏமாந்தவன்ட்டு. सभी को पता चल गया ये अच्छा धोखा खाने वाला इंसान है. அவன் வரானால எல்லாம் பிளான் பண்ணி வெச்சி எல்லாரும் அவனை ஏமாத்துவாங்க. और आरा पता चलते सभी लोग प्लान बना के उसको फसाते थे
रोमनाल आज चावन के तेरी इर्त याला याने हम आत्रांगे ने और ये बात जानने के लिए उसे बहुत समय लग गया यंदलो का ना पुई नंबर क्या करमो कितने हद तक ये झूठ हम मानते हैं यंदलो का ना पुई नंबर मो कितने हद तक हम इस झूठ को जो स्वीकार करते पुई सोल रहोंगले बैला पड़ते रहों पुई सोल रहोंगले एनकरेज पन रहों हम झूठ बोलने वाले को बल देते हैं वो झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहित करते पिशाच सोल रहा पुई नाम नंबर नारिया नंबर नाला पिशाच इन्नो नाला पुई सोलिटे पुईटे रहा और शैतान बोलने वाले झूठ पर हम विश्वास करने की वजह से क्या होता है की वो और भी मस्त झूठ बोलता चला जाता है पुई नमलुके भयत कोंडु वरुदु और उसका झूठ हमारे अंदर डर लाता है கத்தர் சொல்றாரு பரமேஸ்வர் கேते हैं உன் தேவையெல்லாம் சந்திப்பேன் मैं तेरी जरूरतें पूरी करूंगा ஆனா பிசாசு சொல்லுவான் உனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்காது लेकिन शैतान बोलेगा तुझे कुछ नहीं मिलेगा உனக்கு ஒண்ணும் வராது तेरे पास कुछ नहीं आएगा ஒண்ணும் நடக்காது तेरे लिए कुछ नहीं होगा என்ன அற்புதம் நடக்கணும் நினைக்கிறியா तू क्या सोचता चमत्कार होगा உனக்கு யார் கொடுப்பா तुझे कौन देगा हां अनिल பாஸ்டர் சொல்வாரு हां अनिल பாஸ்டர் बोलेंगे அவர் பாஸ்டர்னால யார் வேணாலும் கொடுப்பாங்க ஒரு பாஸ்டர் உங்களுக்கு கொடு भी देगा உனக்கு யார் கொடுப்பா तुझे कौन देगा அப்படிலாம் பிசாசு உங்களை சொல்லுவான் ऐसे शैतान सब बोलेगा நீங்களும் ஆமா அவர் பாஸ்டர் அவருக்கு யாரனா கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு யாரு கொடுப்பா அப்படி நினைச்சீங்கனா உங்களுக்கு அற்புதம் நடக்காது और आप भी अगर सोचे हां भाई वो पास्टर उनको कोई भी देगा हमको हम कौन है हमको कौन देगा ऐसा अगर आप सोचोगे तो आपके लिए चमत्कार नहीं होगा நீங்க ஞானமான ஆளா இருந்தா अगर आप अगर ज्ञानी व्यक्ति है அவர் பாஸ்டரோ பாஸ்டர்லயே அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல वो पास्टर है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता ஏ ஆண்டவர் சொல்லிருக்கேன் தேவைகளை சந்திப்பேனா அதனால அவர் சந்திப்பார் मेरे परमेश्वर ने कहा कि मेरी जरूरतें पूरी करेंगे तो वो करेंगे बस அவருடைய புள்ள நானே मैं उनका बच्चा हूं என்னோட தேவைகளை சந்திக்கிறது அவருடைய கடமை और मेरी जरूरतें पूरा करना उनका फर्ज है அவர் ஏதாவது ஒரு அற்புதம் பண்ணுவார் वो कुछ ना कुछ एक अद्भुत करेगा यार வாசல் எல்லாம் திறப்பார் और जो मैं सोचता भी नहीं वहां वो द्वार खोलेंगे यानी कि यार कंटले दया கிடைக்கும்படியா செய்வார் किसी ना किसी की नजरों मुझे दया मिलेगी பிசாஸ் வந்து பொய் சொல்லி உங்களை பயத்துல தள்ளி விட்டுருவான் और शैतान झूठ बोलकर तुम्हें जो है डर में फंसा देगा انا ஆண்டவருடைய அன்புல நீங்க நிரம்பினீங்கனா लेकिन परमेश्वर के प्रेम में तुम ओगे तो ஆண்டவருடைய அன்புல நீங்க பூர்ணப்பட்டீங்கனா परमेश्वर के प्रेम में तुम सिद्ध हुए तो உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் तुम्हारे अंदर एक भरोसा है ஆண்டவர் என்ன அதிகமா நேசிக்கிறதுனால परमेश्वर मुझे बहुत प्रेम करने की वजह से எனக்கு உதவி செய்வாரு परमेश्वर मेरी मदद करे எம்மேல இவ்ளோ அன்பு வச்சிருக்கிறார் मेरे पर इतना प्रेम रखे இந்த பிரச்சனையா சால்வ் பண்ண மாட்டாரு ஓகே ஏ சமஸ்யை நீ சுல்ஜாயेंगे உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் तुम्हारे अंदर एक विश्वास ஆண்டவருடைய அன்புல ஃபீட் பண்ண பயம்லாம் வெளியில போக ஆரம்பிக்கும் और परमेश्वर के प्रेम में जितना भरते जाओगे डर निकलता जाएगा பிசாசு இப்படி சொல்லுவான் शैतान ऐसे बोलेगा நீ வியாதில இருந்து குணமாக மாட்டே तू बीमारी से ठीक नहीं होगा انا பைபிள் சொல்லுது लेकिन பைபிள் कहती है அவருடைய தழும்புகளாலே நாம் குணமானோம் उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए انا வந்து பிசாசு சொல்லுவான் लेकिन शैतान बोलेगा அது இருக்குது वो है انا அது இன்னவோ உனக்கு வேலை செய்யாது लेकिन क्या पता नहीं वो वचन तुझे कार्य नहीं करेगा நீங்க ஆண்டவர் உங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறார்னு நினைச்சீங்கனா लेकिन तुम जब ये जानोगे कि मानोगे कि परमेश्वर तुमसे कितना प्रेम करता है கல்வாரி சிலுவையில் அவருடைய சரீரம் உங்களுக்காக நொறுக்கப்பட்டது நினைச்சீங்கன்னா கல்வாரி க்ரூஸ் பர் உன்கா शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा गया ये जानोगे तो அவர் அவ்வளவு அடி வாங்குனது நமக்காக उन्होंने इतना मार खाया हमारे लिए அவருடைய தழும்புகளாலே நாம் குணமாகறோம் और उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए அவர் அடி வாங்குனார் பாருங்க அதான் உங்க மருந்தே और उन्होंने कोड़े खाए देखो मार खाए देखो वही दवाई है तुम्हारी हालेलुया हालेलुया அவர் அடி வாங்குனார் பாருங்க அதான் உங்க மருந்தே और उन्होंने कोड़े मार खाए देखो वही तुम्हारे लिए दवाई அவர் ஏன் அடி வாங்குனார்னா उन्होंने क्यों इतना मार खाया நம்ம வந்து ஆரோக்கியமா நம்மளுடைய சரீரம் ஆரோக்கியமா இருக்கும்படியா ताकि हम चंगे रहे हमारा शरीर आरोग्यता में रहे அவருடைய சரீரம் கிழிக்கப்பட்டது उनका शरीर जो है फाड़ा गया बाइबल சொல்லுது அவருடைய தழும்புகளாலே நாம் குணமாகறோம் பைபிள் कहता है कि उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हालेलुया हालेलुया அந்த அன்பு கொஞ்சம் நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்கனா அவர் உங்களுக்கு वो प्रेम जरा आप सोच कर देखोगे तो அவர் எவ்வளவு உங்க மேல அன்பு வச்சிருக்காரு वो तुम पर कितना प्रेम रखे அவர் சும்மாவா சிலுவையில செத்தாரு क्या यूं ही जो क्रूस पर मरे நாம் நல்லா இருக்கிறதுக்காக செத்தாரு हम अच्छा रहने के लिए मरे அப்ப அது வீணா போகுமா तो वो व्यर्थ जाएगा क्या அந்த அன்புல நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்கனா அவர் उस प्रेम को आप सोच कर देखोगे பிசாசு ஜெயிக்க முடியாது शैतान जीते பயம்லாம் போகும் और डर सब निकल जाएगा அது நடக்குமா நடக்காதன்ற காரியெல்லாம் போய்டும் அற்புத காரியம் होगा या नहीं होगा ये सब डर चला जाएगा அலவிதமா டென்ஷன் என் மனசுல வருது और बहुत से टेंशन मेरे मन में आते हैं انا கொஞ்ச நாள் ஆண்டவர் எப்படியோ انا சந்தோஷத்தலயும் சமாதானத்தலயும் வெச்சிருக்கேன் लेकिन पता नहीं परमेश्वर ने मुझे कुछ दिनों से शांति समाधान में रखा எனக்கே தெரியாத ஒரு சந்தோஷம் எனக்கே தெரியாத ஒரு சமாதானத்துல मुझे पता नहीं से खुशी पता नहीं से एक शांति ஒரே ஒரு காரியத்தை தான இப்பலாம் இந்த தியானிச்சிட்டே இருக்கேன் बस एक ही बात अब मैं ज्यादा ध्यान करता हूं ஆண்டவர் அன்பு நல்லா விளங்கிக்கணும் ஆண்டவர் பிரசன்னத்தை நான் ருசி பார்க்கணும் मैं परमेश्वर के प्रेम को अच्छे इस तरह समझना उनके जो उपस्थिति को अच्छा समझना மீதியெல்லாம் ஆண்டவர் காரியங்களை செஞ்சிட்டே இருக்கார் बाकी सब परमेश्वर संभाल लेंगे वो देख लेंगे நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்றேன் मैं आपसे एक बात कहता हूं இத நான் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் ये कहकर मैं समाप्त करूं ஆண்டவர் அன்புல உங்களை நிரப்பிட்டே இருங்க परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को भरते रहो நான் ஏற்கனவே நிறைய பேருக்கு இந்த வாட்ஸ்அப்ல
ஆண்டவருடைய அன்பை பத்தி மெசேஜ் எல்லாம் வசனம்லாம் எடுத்து போட்டு அம்ச்சிருக்கேன் और पहले ही मैंने जो WhatsApp में कई लोगों को जो है प्रेम के बारे में वचन सब भर भर भेजे ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் पहले ही मैंने कहा यार यार எல்லாம் WhatsApp ல இல்ல at least அந்த வசன ரெஃபரன்ஸ் ஆதி எழுதினு போய் வீட்ல போய்ட்டு அந்த வசனத்தெல்லாம் ஒரு டைரியில எழுதிங்க और मैंने पहले कहा कि जो अगर कोई भी WhatsApp में नहीं है तो भी जिनके पास WhatsApp में मैंने वचन भेजे हैं उनसे ले लिख के ले वो घर पे जाकर उसके ऊपर ध्यान करें पढ़ें டெய்லி அந்த வசனங்களை எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு வசனம் ஒரு ஒரு முறையாத வாசிங்க और हर रोज हर दिन आप एक एक वचन तभी उसके ऊपर पढ़ें வாசிக்க வாசிக்க पढ़ते पढ़ते ஆண்டவருடைய அன்புல நீங்க நிரப்பப்படுவீங்க परमेश्वर के प्रेम में भर जाओगे பய நம்மள விட்டு நீங்க ஆரம்பிக்கும் डर हमें छोड़कर चला जाएगा அமைதியா உட்கார்ந்து ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துல உட்கார பாருங்க और सुकून से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखो அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் यही बहुत जरूरी ஆண்டவருக்காக ஓடுறதை விட அவரோட பிரசன்னத்துல உட்கார்றத ஆண்டவர் விரும்பறார் परमेश्वर के लिए भागने से ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना वो उनको बहुत पसंद है लूका 10 அதிகாரத்துல அந்த மார்த்தாள் மரியல குறித்து வாசிக்கிறோம் और லூகா 19வது அத்தியாயம் में हम மார்த்தா और மரியம் के बारे में पढ़ते हैं மார்த்தா இயேசுக்காக சாப்பாடு செய்யணும்னு நினைக்கிறார் और மார்த்தா जो है यीशु के लिए खाना पकाने के लिए सोचती ஆனா மேரி வந்து அமைதியா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க लेकिन மரியம் जो है सुकून से बैठी रहती ஒருத்தர் சொல்றாரு एक जन कहते हैं மார்த்தா மாதிரி ஆட்கள் இல்லனா வேலை நடக்காது மார்த்தா जैसे लोग नहीं होंगे तो काम नहीं होगा ஏனா மேரி உட்கார்ந்துட்டே இருக்கறாங்களாம் क्योंकि मेरी बैठी हुई थी सो மார்த்தாவும் வேணுமா மேரியும் வேணுமா तो कहते हैं कि மார்த்தா भी चाहिए और மரியம் भी चाहिए ஆனா இது மனுஷனுடைய எண்ணம் लेकिन ये मनुष्य के विचार है ஆனா ஆண்டவர் வந்து எப்பவுமே மேரி தான் வேணும்ன்றாரு लेकिन परमेश्वर हमेशा चाहते कि वो மரியம் को ही चाहते ஆனா ஒருத்தர் சொல்றாரு लेकिन एक जन कहते हैं मेरी मारी आटकी लंदाना वेला नडकाद ब्रदर एक जन कहते हैं कि अगर मरियम जैसे होंगे तो हम जो काम नहीं बनेगा ब्रदर तो वंदे मेरी मारी आटकल किट दा नरे वेले नडतर है लेकिन परमेश्वर जो मरियम जैसी लोगों के साथ ही बहुत से काम करवा ले पूरी ना सोल रहा बात ये मैं कैसे बताता हूं मार्था समय के पेटांग मार्था पकाने चली गई இங்க மேரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்ப மரியம் ஜோஹ சரணமே பேட்டிரு உட்கார்ந்து ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு ஆண்டவருடைய அன்பு இயேசு எவ்வளவு அன்பா பேசுறாரு எவ்வளவு அன்பா இவன் கூட உறவாட விரும்பறாரு அந்த அன்பு அனுபவிக்கும்படியா மேரி உட்கார்ந்துட்டாங்க அப்ப மரியம் ஜோஹ ஓ பிரேம் கா அனுபவ करने के लिए कि परमेश्वर कितने भले कितना अच्छा बोलते हो कितने प्रेमी है उनका प्रेम का अनुभव करने के लिए वो जो है बैठ गई அவரோட சத்தத்தை கேட்கும்படி உட்கார்ந்துட்டாங்க उनकी आवाज सुनने के लिए बैठ गई இப்போ மார்த்தா என்ன பண்றாங்கன்னா அங்க சமைக்க போயிட்டாங்க அப்ப மார்த்தா क्या करती है पकाने के लिए चली गई இப்போ என்ன முக்கியம் இதுல பிரச்சனைன்னா अब हम जब समस्या क्या पूछे तो இயேசு கேக்காத பிரியாணியே சமைச்சின்னுக்குறாங்க அந்த அம்மா अब இயேசு ने जो बिरयानी मांगा नहीं वो बिरयानी वो पकाने बैठी है கேக்கவே இல்ல எனக்கு பிரியாணி வேணும்னு இயேசு उन्होंने मांगा ही नहीं कि मुझे बिरयानी चाहिए ஆனா அந்த அம்மா இஞ்சி பூண்டலாம் அரைச்சி எல்லாத்தையும் பண்ணி பிரியாணி செய்யணும்னு போயிட்டாங்க लेकिन ये जो है मार्था जो है இயேசு के लिए जो है अदरक लहसुन सब पीस के बिरयानी बनाने चली गई मेरी மரியம் இயேசு கேட்டா பிரியாணி செஞ்சு தருவாங்க. ஆர் இயேசு மாங்கிங்கே தோ பிரியாணி பனாக்கி தேகி. செஞ்சு தருவாங்க. பனாக்கி தேகி. அந்த மேரிக்கும் இயேசு மேல ரொம்ப அன்பு இருக்குது. கேக்கே மரியம் கோ பீ இயேசு கே பர் பஹத் பிரேம் ஹே. மார்த்தா என்னன்னா கேக்காததெல்லாம் போய் செஞ்சின்னுக்குறாங்க. லேக்கின் மார்த்தா கே மாங்கே பீ நீ வோ சப் கர்னே கே லியே பாகி. ஆனா மேரி இயேசு கிட்டயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கதனால. லேக்கின் மரியம் இயேசு கே பாசி பைட்னே கி வஜஹ சே. இயேசு பிரியாணி கேட்டார்னா இந்த அம்மா போய் செஞ்சு கொண்டு வந்துருவாங்க. இயேசு அகர் खुद ஓகே போலங்க मुझे बिरयानी चाहिए तो वो उठ के जाके बिरयानी बना के அங்க இயேசு வந்து உட்கார்றணும் நினைக்கிறார். अब यीशु खुद चाहते कि वो आके बैठे இல்ல நம்மா நான் போய் உங்களுக்கு பிரியாணி செஞ்சிட்டு வரணும் நீ वो बोलती नहीं मैं जाके तुम्हारे लिए बिरयानी बना के लाती हूं நீ காட் சேனல்ல பாத்துக்கிங்களான்னு தெரியல आपने காட் சேனல் में देखा है कि नहीं पता नहीं माइक बिकलन ஒருத்தர்க்கர் माइक माइक बोलकर एक जन है माइक बिकलन ஒருத்தர்க்கர் माइक बिकल बोलकर एक जन है हाई ओपनर टीवी प्रोग्राम வரோம் और आई ओपनर बोलकर जो है एक टीवी प्रोग्राम आता है इंटरनेशनल हाउस ऑफ प्रेयर ने इंटरनेशनल हाउस ஆஃப் பிரேயர் में அதோட ஃபவுண்டர் அவர்தான் और उसके जो है फाउंडर वही है और இந்த மார்த்தா மேரியை குறித்து சொல்றாரு और वो इस மார்த்தா மரியம் के बारे में कहते हैं மார்த்தா க்கு வந்து வேலக்கார ஒரு மெண்டாலிட்டி இருந்துச்சு மார்த்தா के अंदर जो है एक काम वाली का विचार था மேரி க்கு வந்து ஒரு फ्रेंड மாதிரி இருந்தாலும் और மரியம் जो एक दोस्त की तरह थी மேரி வந்து இயேசு அதிகமா பாஷனேட்டா நேசிச்சாலும் और மரியம் जो है இயேசு को जो बहुत ही दिल की गहराई से प्रेम करती ஆனா மார்த்தா க்கு அந்த அளவுக்கு அன்பு இருக்குதோ இல்லையோ ஆனா வேலை செய்யணும்ன்ற எண்ணம் இருந்து लेकिन மார்த்தா க்கு उतना प्रेम था कि नहीं लेकिन काम करने का विचार சொல் ரறே लेकिन वो कहते हैं வேலக்கார எண்ணத்துல இருக்குறவங்க இயேசுக்காக அதிகமா வேலை செய்யறத விட இயேசு மேல நண்பர்ன்ற ஒரு அன்பு வைத்து இருக்குறவங்க இயேசுக்காக இன்ன அதிகமா செய்வாங்க तो वो सेवक कहते हैं कि जो है यीशु के लिए मैं काम कर रहा हूं सोचने वाले लोग भी उतना काम नहीं करेंगे जितना जो यीशु पे प्रेम रखते हैं वो उससे भी कहीं ज्यादा काम करके दिखाएंगे மேரியும் வேலை செய்வாங்க மரியம் भी काम करेगी ஆண்டவர் சொல்லும்போது செய்வாங்க
परमेश्वर जब जब बोलेंगे तब तब करेंगे और परमेश्वर जो कहते उतना ही वो करेंगे ओडी निकटा और जो प्रभु ने कहा नहीं वो करने के लिए दौड़ते नहीं रहेंगे जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तभी तो पता चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहते कि हम करें क्या चाहते कि हम ना करें நாம அங்க போய் உட்கார்லனா நமக்கு என்ன தெரியும் ஆண்டவர் என்ன சொல்ல செய்ய செய்ய சொல்றாருன்னு जब हम बैठेंगे नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहते कि हम ना करें और क्या करें आज मैं एक बात कहता हूँ समय जब जब मिले वीटले तनिया रहनीना जब घर में आप अकेले हो नी नेरत्ते पयन्पडुत्तींगा आप समय का फायदा उठाएं आंडोडे अदाधु नल्ला आराधिक्किर ओरु पाट्टु पोडुंगे परमेश्वर को आराधना करता हुआ कोई गीत लगाएं इंद आंडोडे अन्पु कुरित्त वसनत्तेल्लाम व्यासिंगे और परमेश्वर के इस प्रेम के बारे में जो भी वचन पढ़े अदिये ध्यानिंगे उसी पर ध्यान करें आंडोडे अन्पुले निरंबुंगे और उस परमेश्वर के प्रेम में भरो आंडोडे अन्पुले नींगे निलच्चिरुंदींगना और परमेश्वर के प्रेम में आप बने रहोगे तो நீங்க ஆண்டவருக்குள்ள நிலைச்சிருப்பீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ள நிலைச்சிருப்பார் तो आप परमेश्वर में बने रहोगे और परमेश्वर आप में बना रहेगा ஆண்டவருடைய அன்பு ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் பாத்து और परमेश्वर का प्रेम एक बड़ा काम है देखो ரிக் ஜாய்னர் என்ற ஒரு தரிசனம் பாத்துருக்காரு ரிக் ஜாய்னர் बोलकर एक सेवक ने ऐसा दर्शन देखा ஆண்டவர் வந்து ஆவிக்குரிய உலகத்துல நடக்கிற காரியங்களை தரிசனமா காமிச்சிருக்காரு और परमेश्वर ने जो है आत्मिक जगत में होने वाले कार्य को दर्शन के रूप में बताया और ஒரு ஒரு மலையின் கீழ இருக்கறாரு और वो जो है एक पहाड़ के नीचे है நிறைய யுத்தங்கள் நடக்குது और बड़ा बहुत युद्ध இயேசுனோட ஒரு போராட்டம் சண்டைகள்லாம் நடக்குது और शैतान के साथ बहुत संघर्ष நடக்குது சத்தியத்துல வளந்து 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 எல்லா போராட்டங்களையும் ஜெயிச்சு அந்த மலை மேல ஏறிட்டே போறாரு और लेकिन जो है सत्य के लिए लड़ लड़कर उस शत्रु से वो जो है पहाड़ के ऊपर ऊपर जाते वो கடைசில அந்த மலையின் உச்சிக்கு போயிட்டாராம் और आखिर में उस पहाड़ के ஊपर एकदम पहुंच गए போயிட்டா அந்த இடம் அவ்ளோ அழகா இருக்குதா வாயில விவரிச்சு சொல்ல வார்த்தை और ऊपर जाने के बाद वो देखते वो जगह इतनी सुंदर है कि वो जो है बयान नहीं कर सकते और அந்த இடத்தை பார்த்து இந்த இடம் பேர் என்ன அப்படிን கேக்குறாரு और उस जगह को देखकर पूछे कि जगह का नाम क्या है அந்த இடம் பேர் தான் ஆண்டவருடைய அன்பா और उस जगह का नाम ही परमेश्वर का प्रेम அந்த இடத்துல போனவன அதான் அல்டிமேட்டா அங்க போயிடு பிதாவினுடைய அன்பை பார்க்கறாராம் और उस जगह के पास पहुंचने के बाद ही वही आखिरकार एक ऐसा स्थान था जहां पर उन्होंने पिता का प्रेम देखा उड़ने वो जगह देखते ही लिया। उनको जगह छोड़ के जाने का ही दिल लिया और जो कोई उस जगह पे पहुंचे वहां सब जो है गिर के पड़े थे ஆண்டவர் வந்து சொல்றாராம் परमेश्वर आकर कहते हैं दर्शनத்துல பேசுறாராம் और दर्शन में ईश्वर आकर बोल रहे நீ எழுந்து போ टूट कर जा அடிமை தனத்துல இருக்கிற ஜனங்களை விடுதலை ஆக்கு और जो गुलामी में फंसे हुए लोगों को तो आजाद कर இவருக்கு மனசே இல்லையா इनको मन ही नहीं आ रहा அந்த இடத்திலேயே இருக்கலாம் போல ऐसा लग रहा है कि इसी जगह में पड़ा रहो நீங்க எழுந்து போன்னு சொல்றீங்களே और तुम प्रभु कह रहे हो कि उठ के जा அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரா तो परमेश्वर ने कहा இந்த ஆண்டவருடைய தகப்பனுடைய அன்பு புரிஞ்சிக்கிற பாரு ஆவிக்குரிய உலகத்துல இதான் பெரிய ஆயுதம் और देखो तुमने पिता का प्रेम समझा है ना आत्मिक जगत में यही सबसे बड़ा हथियार है இது ஒரு பெரிய வெப்பன் एक बड़ा हथियार है எவல்லாம் இந்த ஆண்டவருடைய பிதாவருடைய அன்பு ருசி பார்த்தானோ அவனை பிசாசு ஜெயிக்கவே முடியாது जो कोई इस पिता के प्रेम को चखकर देख लिया वो जो है शैतान जो इसके पर जय पा ही नहीं सकता நீங்க வந்து இத ருசி பார்த்திருக்கிற तुमने इस प्रेम को चखकर देखा நீதான் போய் நிறைய பேர் விடுதலை ஆக முடியும் तू जाकर जो बहुत से लोगों को छुड़ा सकता உன்னை எந்த பிசாசும் ஜெயிக்க முடியாது तुझे कोई शैतान जीत नहीं सकता என்னோட அன்பு ஒரு பெரிய ஆயுதம் और मेरा प्रेम एक बड़ा हथियार है இதுக்கு முன்னாடி பிசாசு நிக்கவே முடியாது और इसके सामने शैतान खड़ ही नहीं எவல்லாம் அந்த பிதாவுடைய அன்பு பார்த்தானோ அவன் தோக்கவே முடியாது और जो कोई पिता के प्रेम को देख लिया वो कभी हार नहीं सकता அதனால ஆண்டவர் அதனால தான் நான் உங்களை அனுப்புறேன் इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें भेजूंगा நீங்க போய் எல்லாரே விடுதலை ஆக்கி ஜெயிச்சு तुम जाकर लोगों को जो है छुड़ाओ और जीत कर लाओ ஏனா நீ இருக்குறதுலயே உயரமான ஒரு காரிய அனுபவத்துல நீ வந்திருக்கிற பிதாவினுடைய அன்பை நீ பாத்துக்கிற क्योंकि जो सबसे बड़ी बात का अनुभव होता है यानी पिता के प्रेम का अनुभव करना सबसे बड़ा अनुभव वो तुमने कर लिया है ஒரு சில ஆட்களுக்கு ஆண்டவர் அதை வெளிப்படுத்திருக்கார் और कुछ लोगों को परमेश्वर ने वो प्रकट किया है இது வந்து ஒரு ரெவலேஷன் और ये एक प्रकाशन है நாள் ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு அவர் உங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறார்னு காமிச்சார்னு வச்சிங்களே और एक दिन अगर परमेश्वर आकर तुम्हें बता दे कि तुमसे कितना प्रेम करते हैं पर ना சொல் ரதெல்லாம் கொஞ்சம் கேட்டிருந்தா இருக்கீங்க देखो यहां पर मैं जो कह रहा हूं थोड़ा सुन ही रहे हो انا அவருங்க கண்ணை திறந்து உங்களுக்கு அவர் உங்களை எவ்வளவு நேசிக்கிறார்ன்றத காமிச்சிட்டார்னா लेकिन वो जब तुम्हारी आंखें खोल दे और बता दे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं யோவான போல அப்படியே ஃபிளாட்டா ஜான் போல கீழ விழுந்துருவீங்க तो आप யோஹன்னா की तरह जो है मुंह के बल उनके सामने गिर पड़ोगे அப்படியே தலை குப்புற விழுந்துருவீங்க ऐसे आप मुंह के बल उनके सामने गिर पड़ोगे அவ்வளோ இது வந்து और ग्लोरियसा இருக்கும் அவ்வளோ வந்து மகிமையா இருக்கும் அது उतना वो महिमा कारक होता है வரப்புற நாட்டில அதான் ஆசை நீங்க பிதாவினுடைய அன்பு உங்க மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கறன்ற பார்க்கணும் और आने वाले दिनों में यही आस है मेरी कि आप जाने कि पिता परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हम सभी लोग प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं